इंडिविजुअल रीजनिंग और मैथ के इस बैच के दूसरे एपिसोड के साथ मैं रवि तिवारी आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल पहले एपिसोड में हम सभी लोगों ने अल्फाबेटिकल सेक्शन में मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज की बात की, उसको क्लियर किया। सभी परीक्षाओं में टॉपिक पूछा जाता है। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष हूँ। आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है आपका रैंकिंग। हम किसी भी कमीशन के किसी भी पेपर की बात करें, रैंकिंग अरेंजमेंट और सिक्वेंस से आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। रैंकिंग इस पूरे टॉपिक का आपका बेस होता है। 2 से 3 प्रश्न आपके यहां से आते हैं। मैं पूरा टॉपिक आपको तैयार कराऊंगा। पहले इस टॉपिक की चैप्टर प्लानिंग देख लेते हैं कि लगभग कैसे कैसे प्रश्न इस टॉपिक में आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। यदि सबसे पहले देखें तो पहले टाइप को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर, अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या से संबंधित प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं। जो दूसरा टाइप है इसको हम लोग कहते हैं 3 कंटेंट रिलेशन और टोटल नंबर, कुल संख्या आपसे पूछी जाती है व्यक्तियों और वस्तुओं की। और इसी में 3 कंटेंट रिलेशन काम करता है जो आने वाले सभी टॉपिक के लिए बेसिक्स का काम करता है। तीसरा जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं पोजिशन इंटरचेंज और डायगोनल रिलेशंस, स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध, पंक्ति का जो विकर्ण संबंध बनता है स्थान प्रतिस्थापन होता है, उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग यहां पे लेते हैं। रेशियो रिलेशन, अनुपातिक संबंध, पंक्ति में व्यक्तियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में जो रेशियो रिलेशन बनते हैं, अनुपातिक संबंध बनते हैं, उनसे सवाल कैसे होते हैं। रैंकिंग में एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं जो रैंकिंग से लिंक होके आते हैं, ये प्रश्न आपके यहाँ पे गलत होते हैं, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग देख लेंगे। और लास्ट में आपका मिडिल नंबर और ओवरलैप रिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं अतिव्यापन का संबंध या मिडिल नंबर, मध्य में बैठे हुए व्यक्ति या रखी हुई वस्तुओं की संख्या। लगभग अगर हम लोग देखें तो 5 भागों में हम लोगों ने इसको बांटा है और इन 5 भागों से 9 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं इस रैंकिंग में। अगर हम इन 9 टाइप पूरा पढ़ लें तो जो 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं, मान लीजिए अगर आप बैंक की और सीसेट की परीक्षा दे रहे हैं तो पजल सी पूरी बनती है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन की। आप अगर स्टेट कमीशन की परीक्षा दे रहे हैं तो भी यहां से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो मैं पूरा बेहतर तरीके से एक सिक्वेंस में आपको इस टॉपिक को तैयार कराता हूं। आइए इसके पहले हिस्से से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पहला हिस्सा है मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। यदि हम लोग बात करें अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या की, तो अधिकतम संख्या को इंग्लिश में तो हम लोग मैक्सिमम नंबर कहते ही हैं, इस नाम से क्वेश्चन आता है। हिंदी में अलग अलग नाम यहां पे लिखे होते हैं, अधिकतम संख्या भी लिखा होता है, या हमसे पूछा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या क्या होगी, या हमसे पूछा जाता है कुल संख्या क्या होगी। ये तीनों ही बातें एक ही है, 3 तरह से प्रश्नों की लैंग्वेज आपसे यहां पर पूछी जाती है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर आपका क्या है इससे पूछा जाता है, या हम लोग कहते हैं कम से कम संख्या क्या है, या कहते हैं अति व्यापन संख्या क्या है। ये आईएएस ने आपसे एक बार इस लैंग्वेज का यूज किया था लास्ट लाइन में, अति व्यापन संख्या, इसको हम लोग कहते हैं ओवरलैप नंबर, है ना। एक बार पूछा गया, इन तीनों का ही मतलब होता है न्यूनतम संख्या। तो कैसे किसी पंक्ति का स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये मान बदलते रहते हैं और क्यों ये मान कठिन होता है, तीनों प्रकार पे ही हम लोग बात करते हैं। एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज हम लोग पहला और दूसरा टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे। इन पहले और दूसरे टॉपिक को क्लियर करने से क्या लाभ होगा कि अकल से जो 3 टॉपिक पढ़ने हैं उनका बेस भी आज क्लियर हो जाएगा। तो यह क्लास आपके लिए इसलिए भी मूल्यवान है क्योंकि कल से आपको जो रैंकिंग पढ़नी है उनका बेस ही पहला और दूसरा टॉपिक है। इन दोनों ही टॉपिक्स को हम लोग आज के इस एपिसोड में कवर करेंगे। तो आइए अब शुरुआत कर लेते हैं। यदि हम एक पंक्ति के स्ट्रक्चर को लें तो मैंने आपसे कहा कि व्यक्तियों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में अभी सवाल भी हम लोग करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, पहले आसानी से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तियों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में राजेश का स्थान मैंने आपसे कहा कि प्रारंभ से 9वां है। राजेश का स्थान जो है वो कहां से, प्रारंभ से 9वां है, क्लियर है। चलिए फिर मैंने कहा योगेश का स्थान जो है वो अंत से 7वां है, क्लियर। और दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति। अब मैंने आपसे यहां से क्वेश्चन रेस किया, मैंने कहा इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या जब भी निकालनी हो यह बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न नहीं होता, इसलिए अधिकतम संख्या से संबंधित प्रश्न आपसे ना के बराबर पूछे जाते हैं सेपरेट। या तो प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है तो उस प्रश्न में आपसे यह पूछेगा कि इस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी, और ऑप्शन में दोनों डिजिट रहेंगे, 4 आपके पेयर रहेंगे।
या आपसे ये पूछेगा कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, क्योंकि अधिकतम संख्या का कोई लॉजिक होता नहीं है। अधिकतम संख्या हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अधिकतम संख्या की जब भी बात होती है तो इसका मतलब होता है टोटल अ पार्ट। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे आपको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं बेसिक से, ताकि न्यूनतम संख्या भी आपको क्लियर हो सके। मैंने कहा कि प्रारंभ से नौवां स्थान है, तो मैंने एक कलर से इसका प्रारंभ से स्थान बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने शुरुआत से बनाया किसका, राजेश का स्थान, और प्रारंभ से क्या था नौवां, ये स्थान यहां पे मैंने लिया। फिर मैंने कलर बदला, फिर आपका दूसरा था योगेश कांत से स्थान कौन सा था, सातवां, यहां से हमने योगेश के स्थान को लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सातवां स्थान हो गया आपका कहां पे, बताइए योगेश का, Y7 ये वाला। फिर आपने कहा कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, आपने कहा बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 4। ये मिडिल है, 4 व्यक्ति हमने बीच में बिठा ले, ये 4 व्यक्ति जो मिडिल टर्म है, बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या है मिडिल टर्म, क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, आपके लिए बहुत ही सिंपल है, अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी लाइंस को जोड़ देंगे। लॉजिक इसलिए नहीं क्योंकि अधिकतम संख्या का मतलब ही होता है टोटल अ पार्ट, मतलब सभी जितने भी सदस्य हैं उनको जोड़ दीजिए। इसके लिए ना तो आपको लाइन खींचने की जरूरत है, ना तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, आसान से हल हो जाएगा। जैसे आपने कहा टोटल अ पार्ट, हमने तीनों को जोड़ लिया, 9, 4, 13 और 13 और 7, 20, तो बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 20। तो आपने कहा इस पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन इतना आसान, जितना आसान अधिकतम संख्या है उतना आसान न्यूनतम संख्या नहीं है। मान लीजिए हम यहां पर मैक्सिमम नंबर के कॉलम को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमें समझ में आ गया। अगर हम इसी व्यवस्था को मिनिमम नंबर में ले चले, सपोज करिए मैंने कहा ये न्यूनतम संख्या हम निकाल रहे हैं, तो देखिए अगर हम हिंदी में इस बात को समझे लैंग्वेज में, है ना, तो इसका अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से एक एक चीज समझिएगा, हम ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बिठा लें कि व्यवस्था पूरी हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बिठा लें कि व्यवस्था पूरी हो जाए, इसको तो हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर। और हम कम से कम कितने व्यक्ति बिठाएं कि व्यवस्था पूरी हो जाए, इसको हम कहते हैं मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर जब भी होगा व्यक्ति या लाइन के व्यक्ति एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। जैसे इस कंडीशन को आपको बेटा सेटिस्फाई कराना है और कम से कम व्यक्तियों को बिठा के सेटिस्फाई कराना है, अगर कम से कम व्यक्तियों को बिठा के कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मिनिमम नंबर आप फाइंड कर लेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए इसी व्यवस्था को अगर हम मिनिमम नंबर के हिसाब से देखें, तो मैंने आपसे कहा कि प्रारंभ से योगेश का स्थान नौवां था। चलिए अब आप गौर से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये प्रारंभ से किसका स्थान है, राजेश का, R9 मैंने लिखा, क्लियर। चलिए अब आपने कहा इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे थे, 4, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। चलिए वहां पर दूसरा, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे बैठे थे, 4। अब आपने कहा अगर इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे थे, तो हमने इसको अगर राजेश माना, तो हमने कहा कि ये 4 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं, ये 4 व्यक्ति जो थे ये हमने मिडिल टर्म में ले लिए। अब हम ओवरलैप करा रहे हैं इस परिस्थिति को, ये हमने जब मिडिल टर्म में लिए, ये राजेश हो गया, ये 4 व्यक्ति हमने मिडिल टर्म में लिए। अब हमें तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, योगेश कांत से स्थान कौन सा था, 7वां। मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए बेटा इस व्यक्ति को योगेश मान लिया, है ना, तो योगेश का हमें स्थान अंत से कौन सा देना, 7वां, Y7 देना है। अब ये स्थान अंत से Y7 नहीं होगा, अगर आप यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये स्थान कौन सा होगा, 6वां। अगर हम एक व्यक्ति यहां पर बिठा ले तो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। देखिए गौर से आप कैसे सेटिस्फाई कर गई, जैसे आपने कहा इस व्यक्ति के आने का किसी की भी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा और मिनिमम नंबर सेटिस्फाई कर गया। बड़े बड़े सवालों में भी मैं बताऊंगा कैसे, जैसे आपने कहा कि प्रारंभ से स्थान कौन सा था, 9वां, तो 9वां है राजेश का। बीच में कितने व्यक्ति बैठे थे, 4, ये 4ों व्यक्ति देखिए बीच में बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, किस किस के बीच में बैठे हैं, राजेश के और योगेश के, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अंतिम कंडीशन क्या थी, योगेश कांत से स्थान कौन सा था, 7वां, तो हमने यहां से गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, योगेश का स्थान 7वां भी हो गया।
इसको हम कहते हैं मिनिमम नंबर। हम कम से कम कितने व्यक्ति बिठा लें कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये मिनिमम नंबर है तो आप बताइए कितने व्यक्ति हुए। तो आपने जहां पर अधिकतम में 20 व्यक्तियों में ये व्यवस्था पूरी की थी, वहीं पर आपने मिनिमम अगर हम लोग नंबर देखें तो मिनिमम नंबर में 10 व्यक्तियों में ये व्यवस्था पूरी कर ली। 10 व्यक्ति आप मिनिमम बिठा लेंगे तो ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। आप देखिए पंक्ति में जब 10-20 लोग हैं तो आप ओवरलैप करा सकते हैं। अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाता है कि 400 व्यक्तियों की एक पंक्ति में योगेश का प्रारंभ से स्थान 139वां है, 27 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं और राजेश का अंत से स्थान 65वां है, बताइए इस पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या तो आप निकाल लेंगे, तीनों डिजिट को आपको जोड़ना है, लेकिन न्यूनतम संख्या में आपको दिक्कत होगी क्योंकि परीक्षा में आप 400 लाइन नहीं खींच सकते, 27 व्यक्तियों को ओवरलैप नहीं करा सकते। तो जब अमाउंट ज्यादा होता है तो यह सवाल आपके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इन 4 व्यक्तियों को हमने पहले क्रमांक में भी गिना, राजेश के नंबर में भी गिना, इन 4 व्यक्तियों को हमने योगेश की काउंटिंग में भी लिया और इन्हीं 4 व्यक्तियों को हमने बीच की काउंटिंग में भी लिया। मतलब ये जो 4 डिजिट 4 नंबर थे ये 3 बार 3 काउंटिंग में ओवरलैप हो गए। जब ये ओवरलैपिंग होती है इसी को हम कहते हैं न्यूनतम नंबर। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि सर हम इस न्यूनतम नंबर को निकालें कैसे, है ना, कैसे हम इसको बिना लाइंस के निकालें, क्योंकि ये प्रक्रिया तो टफ है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 3 चीजें याद रखनी है। देखिए इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं बीडी। क्या कहते हैं? बीडी। जैसे इसमें बीडी क्या है आपका, राजेश का स्थान इसमें बीडी हो जाएगा। बीडी का मतलब होता है बिगर डिजिट, है ना। सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, बीडी। बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को हमेशा कहते हैं एमडी। क्या कहते हैं? एमडी, मिडिल डिजिट। बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं एमडी, और जो बची हुई संख्या होती है उसको हम कहते हैं एसडी, है ना, स्मॉलर डिजिट। 3 तरह के डिजिट, बिगर डिजिट, मिडिल डिजिट। मिडिल डिजिट क्या होता है? मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, ध्यान रखिएगा। और फिर जो तीसरा बचता है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलर डिजिट, है ना। सबसे पहले आपको मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को अलॉट कर देना है। मिडिल डिजिट का मतलब है मध्य में बैठे व्यक्ति या रखी हुई वस्तुओं की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। क्लियर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, की संख्या। क्लियर, आइए ये आपका क्या हो गया, मिडिल डिजिट। क्योंकि अगर आप मिडिल डिजिट को सही से फाउंड कर लिए तो अब फिर जो बचा हुआ बड़ा डिजिट है वो बिगर डिजिट हो जाएगा और जो छोटा डिजिट है वो स्मॉलर डिजिट हो जाएगा। तीनों की संख्या को आपको जोड़ देना है। तो जब हमने इसको जोड़ा तो हमने कहा 9+4 और प्लस कितना हो गया बताओ, यहां पर 7, 9, 4, 13, 7, 20। तो आपने यहां पर कह दिया 20। ये तो मैक्सिमम नंबर है। जब मिनिमम नंबर में हम होते हैं तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना देखना है, है ना, क्या बताओ, यहां पर आप देख लीजिए जब न्यूनतम संख्या आपको निकालनी हो बेटा तो आपको क्या करना है, SD-MD-2+BD। अब क्या करना है, कोई लाइन आपको पेपर में खींचनी नहीं है, केवल संख्याओं को पहचानना है। संख्या जैसे ही आपने पहचान ली आराम से, इसके बाद आपके लिए सवाल हो गया आसान, SD-MD-2+BD। अब बताओ ये सब भूल जाइए, SD क्या होता, तो आपने कहा सर सबसे छोटी संख्या क्या थी, 7। माइनस MD क्या था, तो आपने कहा 4। -2 और प्लस BD क्या था बताइए, बिगर डिजिट क्या था, तो आपने क्या कहा, 9। अगर हमने कहा 7 में से 4 गया कितना बचा, 3, और 3 में से 2 गया कितना बचा, 1, और 1 में जब 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 10। तो यहां पर ये 10 आ गया। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 200 भी लाइनें हो, 300 भी लाइनें हो और 400 भी लाइनें हो, आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी देखिए बहुत छोटे छोटे सवालों से हम लोग बड़े बड़े सवालों की तरफ चलेंगे जो सीसेट में IAS ने पूछे हैं, बैंक में PO ने आपसे पूछे हैं, और कैसे लैंग्वेज में उन सवालों में आपको फंसाता है और कैसे हमें अगर बेसिक क्लियर हो तो हम आराम से वहां से निकल सकते हैं। पेशेंस बनाए रखें, शुरुआत से पढ़े। मान लीजिए कुछ लोगों को आता होगा तो उनको लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप ट्रिक को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट वही होता है
जो व्यक्ति कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करे वही एक अच्छा परीक्षार्थी के रूप में होता है। ट्रिक का हिंदी अर्थ ही होता है धोखा। जब हिंदी डिक्शनरी में आप ट्रिक को देखेंगे तो ट्रिक का मतलब क्या होता है? धोखा। ट्रिकी कभी नहीं है ना। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और जो व्यक्ति कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छे से क्लियर करेगा वो ट्रिक भी बहुत अच्छे से अप्लाई करेगा, है ना। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये है क्या, तो आप इसको बता सकें। एक सावधानी केवल इसमें बरतनी है कि सबसे पहले MD को ज्ञात करना है और इसके बाद फिर जो बड़ी संख्या होगी वो BD और जो छोटी संख्या होगी वो SD, है ना। SD क्या है? स्मॉलर डिजिट। MD क्या है? मिडिल डिजिट। और BD क्या है? बिगर डिजिट। मान लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो हमेशा के याद रखिए, SD को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? स्मॉलर डिजिट है, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलर डिजिट। क्लियर है? चलिए, MD क्या है? बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? मिडिल डिजिट कह देंगे बेटा, आप लोग जान रहे हैं। और BD क्या होगा? यहां पर बिगर डिजिट होगा, बिगर डिजिट। एक स्ट्रक्चर को पूरा देख लीजिए ताकि चीजें बिल्कुल क्या रहे, क्लियर रहे। क्लियर हुई बात? तो यहां पे हमें कहना है SD माइनस MD माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा बताइए? PD हो जाएगा। अब एक मैं आपको और आगे बताता हूं और अच्छे कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं एक जबरदस्त सवाल के साथ। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे देखिए ये हमारा जो इंडिविजुअल बैच है, इस इंडिविजुअल बैच का आप में से जो भी लोग जानकारी चाहें कि ये व्हाट्सएप नंबर है इससे जुड़ने के लिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एंट्री M+R लिखकर भेजना है। 15 जुलाई तक बेटा एडमिशन खुले हुए हैं, क्लियर। बाकी ये नीचे संस्थान के नंबर हैं, इन नंबर्स पर फोन करके भी आप आराम से अपनी प्रक्रिया को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। बाकी डिटेल आपके नीचे स्क्रॉलिंग में चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां तक पहुंच चुके थे और यहां पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए क्या मिनिमम नंबर हम हर कंडीशन में निकाल सकते हैं? नहीं। मिनिमम नंबर की भी अपनी दो कंडीशन है। जैसे हम आपसे कहें अगर मिनिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम नंबर के लिए जो हमने फाइंड किया, फिर हम लोग सवालों पर भी चलते हैं। मिनिमम नंबर के लिए जो हमने फाइंड किया तो आपने कहा सर आपने फाइंड किया SD माइनस MD माइनस 2। अब आधी परीक्षाओं में तो आप सवाल लगाने से वैसे ही बच जाएंगे अगर इसको समझ लेंगे। SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD, चलिए। लेकिन ये जो है ये दो कंडीशन इसकी भी होती हैं, दो केस इसके भी होते हैं जहां पे टफ होता है या बड़ी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। क्या? देखिए, यदि SD माइनस MD का मान, यदि SD माइनस MD का मान 2 से कम है, दो से कम है, तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए SD माइनस MD का मान कम से कम क्या होना चाहिए? 2 से अधिक होना चाहिए। अगर ये मान बेटा 2 से कम है, मेरे प्यारे बच्चे 2 से कम है, तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? SD माइनस MD का, तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। और यदि SD माइनस MD का मान 2 या 2 से अधिक है, यदि SD माइनस MD का मान 2 या 2 से अधिक है, तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना अनिवार्य है, या तो 2 हो या तो 2 से अधिक हो। अब जैसे पिछला वाला सवाल हमने हल किया यहां पर देखिए MD कितना था? 4। SD माइनस MD देखिए, और बताओ SD कितना था? 7। 7 में से 4 गया, इन दोनों का अंतर कितना आया बताओ? 3। मतलब अब अगर हम अधिकतम संख्या तो किसी भी कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या के लिए हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि यदि SD माइनस MD का मान 2 या 2 से कम है तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं करेंगे। 2 है या 2 से अधिक है तो हम ज्ञात करेंगे। अगर हम सवाल में जाने से पहले ही क्लियर कर लें
कि SD माइनस MD का मान कितना है, तो हम बहुत सारी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है और आसानी से हम इन सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बस इतनी चीज़ बेटा ध्यान रखिएगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले MD को फाइंड करिएगा। जैसे परीक्षा में आए हुए कुछ सवालों पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ये दो केस हैं, पहला केस ये है और दूसरा केस ये है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। जैसे चलिए आइए, एक पंक्ति के एक पंक्ति में क्या लिखा है, प्रकाश प्रारंभ से 27वें स्थान पर है और संज्ञा अंत से 15वें स्थान पर है। बहुत आसानी से देखिए, पढ़िए इसको, अंत से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 8 लोग हों, क्लियर, दोनों के बीच कितने हों, 8, तुरंत बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को आप क्या कहेंगे, MD, क्लियर कर दीजिए। तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, आप लोग उत्तर करिए। अब देखो, न्यूनतम संख्या के लिए हमें क्या करना है, SD माइनस MD के मान को देखना है। तो देखो, अगर ये MD है तो फिर ये छोटा डिजिट हो गया SD और ये बड़ा डिजिट हो गया BD। अब SD माइनस MD का जब हम अंतर देखेंगे तो 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7 बचा। अगर ये अंतर 7 है तो 2 से ज्यादा है, मतलब इसमें अधिकतम मान को भी निकाला जा सकता है और न्यूनतम मान को भी निकाला जा सकता है। अधिकतम मान में हमें कुछ करना नहीं, अगर हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे बताओ, तो आप कहेंगे सर तीनों को जोड़ देंगे। तो हमने कहा 27 प्लस, फिर बताओ क्या हो गया, 15, और प्लस क्या हो गया बताओ, 8। चलिए हमने जोड़ दिया, 27 और 15 को जोड़ा 42, और 42 और 8 कितना हो गया, 50। लेकिन हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि तीनों में 50 है, क्लियर है। अब बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया। अब हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, SD माइनस MD माइनस 2 और प्लस क्या कहेंगे, BD। अब बताओ SD कितना था, उठा लीजिए वहां से। आपने कहा सर जो SD था वो 15 था, चलिए MD हमेशा बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या 8 था, 2 था, और प्लस BD कितना है बताइए, आपका BD कितना है बताइए, 27 है। अब 15 में से 8 गया, 7 बचा, 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा, और 5 में से 27 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 32। तो अब बताइए ए ऑप्शन क्लियर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है कि अधिकतम संख्या कितनी होगी 50 और न्यूनतम संख्या कितनी होगी बताइए, 32 हो जाएगी। इजिली आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, इजिली आप इसको लगा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। तो हमारा उत्तर हो गया 50 और 32। चलिए एक ऐसा ही सवाल तुरंत आपके लिए देते हैं, आइए चलिए। एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर है और अजय अंत से 5वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में 2 विद्यार्थी हो तो अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी, बता सकते हैं आप लोग। देखिए बहुत आसान है, अब ओरल करिए, 5वें स्थान पर है ना, बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2, तो ये MD का मान कितना हो गया, 2। अब बताओ MD 2 है तो ये क्या हो गया बताओ, BD, और ये क्या हो गया बताओ, SD। पहले तो तीनों को जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 और 2 15, तो एक मान तो 15 हो गया, लेकिन चारों में 15 है तो हम फाइंड नहीं कर सकते, दूसरा मान निकालना होगा। तो हम सीधे सीधे कहेंगे SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। बार बार लिखना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको बार बार कि स्मृति चिन्ह आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो SD कितना है आपका बताओ, 5, अब सॉरी माइनस बताओ, SD अगर आपका 5 है, इसके बाद जो है 5, MD कितना है, 2 माइनस 2, और प्लस BD कितना है आपका, 8। अब देखिए 5 में से 2 गया, 1 बचा, 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 और 8 कितना हो गया, 9। बताओ 15 और 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी। दो चीज जरूर दर्ज करिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आप हम लोगों को कहां से देख रहे हैं, ये दो चीजें बहुत जरूरी है ना। चलिए आइए, अब देखिए ये तो चीज, हाँ एक चीज और मैं क्लियर करूं, जो हम लोग आपको इस बैच में सीट प्रोवाइड करेंगे, जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो बाइलिंगुअल होगा, वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। जो आपके सीट और क्वेश्चन जाएंगे वो इंग्लिश में भी जाएंगे, हिंदी में भी जाएंगे। जो भी इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो बिल्कुल भी बेफिक्र रहे, कोई भी आपको दिक्कत यहां पे पढ़ने में नहीं होगी, है ना, बिल्कुल आसानी से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे कंटेंट आपको इंग्लिश प्लस हिंदी बाइलिंगुअल ही दिए जाएंगे, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, लड़कों की एक कतार में सैलेश, अब देखो यहां पर जैसे ये सवाल है, इस सवाल को आपसे पूछा गया PCS की परीक्षा में, बिल्कुल आसान सवाल था। लड़कों की एक कतार में सैलेश शुरू से
शैलेश शुरू से 20वें स्थान पर, अनीश अंत से 15वें स्थान पर, उनके बीच में 14 व्यक्ति है। एक कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है? चलिए, अधिकतम संख्या तो आसान है, अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लूं कि कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो गौर से अगर हम लोग देखें, अधिकतम संख्या में तो आप जोड़ देंगे 15, 14, 29 हो गया, 29 हो गया, और 29 में जब आपने 20 जोड़ा तो क्या हो गया, 49 हो गया। तो ये तो आपका इसका आंसर सी हो गया। मैंने अगर आपसे पूछा, आप लोग उत्तर करें कि इसका मिनिमम नंबर क्या होगा, आप मुझे बताइए कि इसका मिनिमम नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए एम डी है, ए एस डी है, और ये बी डी है। क्लियर? क्योंकि एम डी तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या होती है। MD माइनस SD का जो अंतर है, SD माइनस MD का जो अंतर है वो कितना है, एक है, मतलब ये दो से क्या है, कम है। और अब मैंने आपको वो कंडीशन बताई है कि यदि SD माइनस MD का मान दो से कम हो तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात इसमें अगर आपसे मिनिमम नंबर पूछा जाता तो आप क्या कर सकते हैं कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते। इस सवाल का न्यूनतम संख्या निकाला ही नहीं जा सकता व्यक्तियों का, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम ओवरलैप कराएंगे तब भी मान दो से कम हो नहीं होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए चौथा सवाल देखिए, जल्दी से बताइए, आप जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को करना है। एक कतार में तेजी से बताइए, राम शुरू से 10वें स्थान पर, मोहन 20वें स्थान पर, उन दोनों के बीच में कुल 15 व्यक्ति हैं। कतार में कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बहुत आप आराम से निकाल सकते हैं, ओरल है, 20, 15, 35, 10, 45 हो जाएगा। और अगर मैं कहूं न्यूनतम संख्या मैं पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे बताओ अब ओरल करना है। देखिए हाँ, बीच में कितने हैं, तो ये MD हो गया, तो SD माइनस MD, तो 20 में से 15 क्या कितना बचा, 5 माइनस 2 तो कितना बचा 3, और बताओ प्लस BD 3 और 10 कितना हो गया 13, तो ये 13 हो गया। अब मैं इस चीज का विरोध करूंगा कि आप फॉर्मूला लिखें, क्योंकि अब परीक्षा में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्विक कैलकुलेशन करनी है, थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट से हमें 2 सेकंड में जवाब करना है। तो सीधे सीधे करिए, MD बताओ क्या है 15, अगर MD 15 है तो BD तो बाद में जोड़ेगा, SD कितना हो गया 10, अब बताओ SD, हाँ SD माइनस MD है ना, तो बताओ तब शुरुआत से क्या होगा, तो 15 में से जब 10 घटाया तो कितना हो गया, हाँ तो आप कहेंगे 5, और 5 में से जब 2 गया तो बताओ कितना हो गया 3, और 3 और 10 कितना हो गया बताओ 13, तो आपने कहा बताओ कितना हो गया 13 हो गया। क्लियर हो गई बात? चलिए आइए फिर पांचवें सवाल में लेते हैं, किसी एक पंक्ति में। अब देखिए, तो अब अगर हम लोग चले यहां पर, तो यहां पर हम लोगों ने कितनी चीजों को क्लियर किया समझिए, हम लोगों ने पहले इसको क्लियर किया, SD माइनस MD को क्लियर किया, और ये चीजें हम लोगों ने सारी क्लियर की। ये केस भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको सीट दे दूं और अधिकतम और न्यूनतम संख्या के सवाल आए तो हम क्लियर इसको कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आपको ले सकता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं 3 कंटेंट रिलेशन। क्या कहते हैं? 3 कंटेंट रिलेशन और टोटल नंबर। मैं लिख देता हूं यहां पर 3 कंटेंट रिलेशन और टोटल नंबर, कुल संख्या। देखिए ये पूरे टॉपिक का बेस आपका होगा। क्लियर? इससे जो सवाल आते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट करता हूं कैसे इससे सवाल आते हैं, है ना, और फिर कैसे इसको पढ़ते हैं। 3 कंटेंट रिलेशन क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये 10 लाइन खींची है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम लोगों ने इस व्यक्ति के बारे में चर्चा शुरू की, है ना, इस व्यक्ति के अलग अलग नेचर होंगे। जैसे मैंने कहा प्रारंभ से इस व्यक्ति का स्थान क्या है, तो आपने कहा सर काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपने कहा सर 7th है, 7वां है। चलिए मैंने फिर चर्चा शुरू की, मैंने कहा अंत से इस व्यक्ति का नाम क्या है, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, तो आपने कहा सर 4th है, 4th है। क्लियर? चलिए अब मैंने आपसे कहा कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम इस व्यक्ति के दोनों स्थान जोड़ दें तो ये 7 + 4 = 11 हो जाएगा, और ये इस पंक्ति का सही नेचर नहीं दिखाएगा। ये इस पंक्ति का सही नेचर बेटा इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अगर ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके स्थान को एक बार प्रारंभ से जोड़ा गया और एक बार अंत से जोड़ा गया। मतलब अगर हमें पंक्ति का वास्तविक नेचर चाहिए या सही नेचर चाहिए,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों स्थानों को जो जोड़ा गया उसमें एक स्थान को कम करना पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है, तो इस पंक्ति का सही नेचर आ जाएगा 10। क्लियर? तो अगर हमें किसी पंक्ति में किसी व्यक्तियों की संख्या निकालनी है ना, तो हम कहते हैं पोजिशन फ्रॉम वन एंड, क्लियर, फिर प्लस पोजिशन फ्रॉम अदर एंड, है ना, पोजिशन फ्रॉम वन एंड, पोजिशन फ्रॉम अदर एंड, क्लियर, माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, टोटल। समझ लीजिए, हमने कहा किसी व्यक्ति की एक सिरे से स्थिति पोजिशन फ्रॉम वन एंड, किसी व्यक्ति की दूसरे सिरे से स्थिति पोजिशन फ्रॉम अदर एंड, माइनस वन इक्वल टू टोटल। अगर हम इसको एक्स वन मान लें, मान लीजिए, और हम इसको एक्स टू मान लें, है ना, तो अब हम यहां से सीधे सीधे कह सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा। किसी पंक्ति में ये तीन कंटेंट आपके होते हैं, अभी मैं सवालों पर चलता हूं, ये पहला कंटेंट, ये दूसरा कंटेंट और ये तीसरा कंटेंट, इन तीन कंटेंट में से कोई भी यदि हमें एक कंटेंट या दो कंटेंट दे दिए गए हो तो हम तीसरे कंटेंट को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी तो ये सवाल आसान होते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी ये सवाल कठिन भी होते हैं। एक रेशियो रिलेशन भी इसके बीच में बनता है, मान लीजिए जिसको हम कहते हैं 1-2-3 रिलेशन। समझिएगा इसको, 1-2-3 रिलेशन हम क्यों कहते हैं, जब किसी एक पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के तीन पोजीशन, तीन स्थान दिए गए हों। फिर से समझिएगा, 1-2-3 रिलेशन क्यों कहते हैं, एक पंक्ति में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के तीन स्थान दिए गए हों और फिर हमें नया स्थान निकालना हो, नया स्थान निकालना हो, तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं a1 प्लस a2 बराबर v1 प्लस b2। a1 प्लस a2 बराबर b1 प्लस b2, जहां पर a1 क्या है, पहले व्यक्ति या वस्तु का स्थान, और b2 क्या है बताओ, दूसरे व्यक्ति या वस्तु का स्थान, है ना। तो x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल से तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन 1-2-3 रिलेशन भी बहुत सारे सवालों में आपके लिए कारगर होता है क्योंकि यहां से आसानी से हम उत्तर निकाल सकते हैं। कई कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें तीन तीन कॉन्सेप्ट हमारे मर्ज होते हैं, जहां पर हमें ये रिलेशन भी लगाना होता है और ये रिलेशन भी लगाना होता है। आसानी से इसको समझिए, मैं आपको क्लियर करता हूं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग कुछ सवाल हो पाए, किसी पंक्ति में ए का ऊपर से स्थान 7वां है, समझिएगा, और बी का ऊपर से स्थान 15वां है, है ना, तथा नीचे से स्थान 21वां है, तो बताइए ए का नीचे से स्थान क्या होगा। अब देखिए, नीचे से स्थान ए का पूछा गया है, मतलब नया स्थान पूछा गया है। इस सवाल को हम लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। यदि मैं कहूं a1 प्लस a2 बराबर B1 प्लस B2, समझिएगा, रेशियो रिलेशन से भी ये सवाल आ जाएगा। A को हमने मान लिया पहला व्यक्ति, इसके दोनों स्थान, A मतलब प्रारंभिक स्थान और A2 मतलब अंत से स्थान, और B का मतलब B1 मतलब प्रारंभिक स्थान और B2 मतलब अंत से स्थान, जैसे हमने भी लिखा था ना, X1 प्लस X2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल। जैसे अब देखिए दोनों तरीके से निकलेगा, अब A का ऊपर से स्थान 7वां है, तो मैंने कहा A1 की वैल्यू 7 है, A2 की वैल्यू कितनी है बताओ, अब A2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, चलिए B1, अब B का स्थान कितना है बताओ, ऊपर से स्थान 15वां है, चलिए, और V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 21। अब देखिए आपको तीन मान दिए गए हैं, कुछ नहीं करना है, ना तो कुछ रेशियो रिलेशन में ले जाइए, ना कुछ आप लाइंस खींचने में ले जाइए, सीधे कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए, अब हम अगर इसका मान निकालें तो 15-21 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू 36 हो जाएगी, बराबर में है, और A2 की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 7 कहां चला जाएगा, माइनस में, ये सीधे सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29, और यहां से हमने सीधे इसका उत्तर कर दिया। अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए X1 प्लस X2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल से अगर हम लोग चलते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति के स्थान को निकालना पड़ेगा जिसके दोनों स्थान आपको दे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए X1 प्लस X2, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके दोनों स्थान दिए गए हैं, B। अगर हमने कहा कि B का एक स्थान क्या है, 15, दूसरा स्थान क्या है, 21,
माइनस वन इक्वल टू, इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या अगर आपको निकालनी है आ जाएगी, यहां पे पूछी नहीं गई है। तो 15, 21, 36, 36 में से एक गया 35। तो अब आपने देखा कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जब हम इसको बी के रेफरेंस में पुट करेंगे, उत्तर तो पहले ही आ गया, मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, तो बी के रेफरेंस में पुट करेंगे तो बी का पहला स्थान दिया गया है कितना बताओ, 15, है ना। देखिए ए के रेफरेंस में जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो एक, आप देखिए ए का एक स्थान दिया गया है कौन सा, 7वां, ये दिया गया है ना 7वां, तो चलिए 7वां। ए टू हमें निकालना है, माइनस वन इक्वल टू टोटल हमारा 35 हो चुका है, क्लियर। तो अब हम कहेंगे 7 + A2 बराबर, अब 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, से माइनस उधर जाएगा, तो हम कहेंगे ए टू बराबर कितना होगा, तो 36 में से हम कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे, तो बताओ ए टू का मान भी कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा थ्री कंटेंट रिलेशन है, इससे हम कुल संख्या भी निकाल सकते हैं और नया स्थान भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर केवल नया स्थान निकालना हो तो 1, 2, 3 रिलेशन आपका काम करेगा जब एक व्यक्ति, एक पंक्ति में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के तीनों स्थान दिए गए हों और चौथे स्थान को फाइंड करना हो, तो सीधे रिलेशन लगाइए A1 + A2 बराबर B1 + B2। क्लियर हुई बात, जैसे और सवाल लेते हैं, आइए। चलिए, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें, हाँ जैसे पीसीएस में पूछा गया सवाल, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें राम का क्रम ऊपर से 14वां है ना और नीचे से 28वां। अब देखो कितना आसान सवाल था, आपको फंसाया गया, आप लोग बताइए, जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है ना, उसमें राम के दोनों स्थान दिए गए हैं ऊपर से और नीचे से, है ना। तो अगर हमें R1 + R2 दिया गया है -1, एक कल हम टोटल निकाल सकते हैं, और टोटल हम किसका निकाल सकते हैं, जो उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति हैं। तो बताओ एक स्थान क्या था, 14, प्लस दूसरा स्थान इनका क्या था बताओ, तो आपने कहा सर 28 और -1, तो उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 28 और 14 = 42 में से एक गया 41, ये टोटल 41 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखो 41 लोग तो बेटा उत्तीर्ण हुए हैं, फिर क्या है, है ना, जितने बच्चों में वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 16 बच्चे फेल हो गए, अब 41 उत्तीर्ण हुए हैं और जो 16 फेल हो गए वो भी परीक्षा में बैठे होंगे, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 57। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 57 व्यक्ति, क्लियर हुई बात, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे एक सवाल है, वस्तुओं की एक सूची में घड़ी आरंभ से 45वें स्थान पर है और मोबाइल अंत से 70वें स्थान पर है, यदि घड़ी अंत से 50वें स्थान पर हो। अब जैसे देखिए दोनों चीज निकालनी है, घड़ी का नया स्थान निकालना है और सूची में कुल कितनी वस्तु है वो भी निकालनी है। तो पहले देखो, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं यहां से, चलिए पहले हम लोग इसको यहां से देखते हैं। अगर हम वॉच, दोनों स्थान किसका दिया गया है बताइए, घड़ी आरंभ से 45वें स्थान पर, मोबाइल अंत से 70वें स्थान पर है, यदि घड़ी अंत से 50वें स्थान पर, मतलब अगर हम वॉच के रेफरेंस में बात करें तो वॉच के हम दोनों स्थान दिए गए यहां से टोटल निकाल सकते हैं। तो चलो अब घड़ी का अंत प्रारंभ से स्थान क्या है 45 और अंत से स्थान क्या है 50, जिस वस्तु या व्यक्ति के दोनों स्थान दिए गए हो आपको उसी से लेना है। तो हमने कहा 45 + 50 - 1 = टोटल, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 95, 95 में से गया 94, इसका मतलब है 94 टोटल नंबर्स आपकी वस्तुएं हैं उस पंक्ति में, क्लियर। चलिए क्लियर हो गया, तो सूची में अगर हमें कहे कुल कितनी वस्तुएं हैं तो यहां पे 94 हो गया। अब मोबाइल का स्थान हमें निकालना है, आसान है बेटा, मोबाइल का स्थान कैसे निकालेंगे, अगर हमें कुल वस्तुओं की संख्या पता है तो मोबाइल का एक स्थान दिया गया है तो मोबाइल का अंत से स्थान कितना है 70। चलिए तो मैंने यहां पर लिखा M1 हमें फाइंड करना है, M2 का मान 70 है, -1 और टोटल कितना है 94, क्लियर। चलिए फिर हमने कैलकुलेट किया M1 + 70 = 95, तो अब बताओ M1 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी 25, तो मोबाइल का स्थान बताओ कौन सा हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर हम उससे निकालना चाहें A1 + A2 = B1 + B2, तो कुल वस्तुओं की संख्या इससे नहीं निकलती लेकिन ये हमारा नया स्थान निकल जाएगा। कैसे, अगर A1 हम घड़ी को मान लें तो हम सीधे सीधे कहेंगे 45 + 50 =
अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, बी वन मतलब मोबाइल का प्रारंभ से स्थान और बी टू कितना है 70। कैलकुलेट कर देंगे 95 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बी वन प्लस 70। तो बताओ बी वन बराबर कितना हो जाएगा, 95 माइनस 70 इक्वल टू 25। तो 25 हम यहां से भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो थ्री कंटेंट रिलेशन ही पूरे रैंकिंग का आपका क्या था, बेस था, क्लियर। बाकी सब चीजें तो क्लियर है। अब संदीप सर आपके पास आएंगे, इतना तो मेरा था आज का, बाकी मैं इसके आगे का कल क्लियर करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अनवरत यात्रा जबरदस्त तरीके से चलती रहेगी, और किसी भी चीज की अगर कोई जानकारी चाहिए हो प्रीवियस से संबंधित, तो नीचे स्क्रॉलिंग में भी चल रहा है और 2-3 बार स्लाइड भी आपको दिखाई गई जहां से आप ले सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह पढ़ते रहे। अगले 10 से 15 दिन में लगातार इसी तरह आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, है ना। बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर ही कर दी है कि कैसे क्या आपको करना है। तो आज हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या देखा, तो उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने रैंकिंग शुरू किया था, और रैंकिंग में हम लोगों ने पहले जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इन पहले दोनों ही कॉन्सेप्ट को आज क्लियर किया है मैं क्वेश्चंस के। कल जब इसकी बात होगी तो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 बात होगी, जो आपके सवाल आईएएस में आते हैं, पीसीएस की परीक्षाओं में आते हैं, जो बैंकिंग में आते हैं, कैसे इन दोनों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। आज चूंकि बेसिक्स क्लियर हो गया है, तो कल फिर इन चीजों की क्लियर होगी। आपकी ऐसी सफलताओं की कामनाओं के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। अब संदीप सर की क्लास आपकी होगी और आप लोग गणित का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से इतना ही। संदीप सर की क्लास शुरू हो रही है। इंडिविजुअल मैथ्स एंड रीजनिंग के इस कम्बो बैच में मैं संदीप तिवारी अब आपके साथ हूं। वीडियो के स्टार्टिंग सेशन में आपके साथ रवि सर थे, जिन्होंने इस बैच की रूपरेखा के साथ साथ अपने विषय को भी बखूबी आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब मैं मैथ विषय को लेकर के आपके साथ यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको इस विषय की पूरी कॉन्सेप्ट को, पूरे तारतम्यता को, पूरे एक्सप्लेनेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया था, सभी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको प्रॉपरली बताया, मैंने अपनी भी भूमिका को बताया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से आपके सामने रहेगी, मेरी स्ट्रैटजी क्या रहेगी, मुझे आपसे क्या उम्मीद रहेगी, इन सब बातों को लेकर के कल मैंने क्लास में प्रॉपरली डिस्कस किया था। उस क्लास में मैंने आपको हर चीज़ के बारे में, हर एक पहलू के बारे में पॉइंट किया था, कैसे मुझे पढ़ाना है, कैसे आपको पढ़ना है, सब बातें आपने प्रॉपरली सीखा था। मैंने कल प्लान किया था कि मैं आपको आज की क्लास के माध्यम से स्टार्टिंग से, जहाँ से मैथ्स एक्चुअली स्टार्ट होती है, वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, कई सारी चीज़ें मैं चाह करके भी नहीं करा सकता था। इसलिए हमारे सिस्टम ने प्लान किया कि हम लोग कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि आप सब अगर कंपटीशन के लिए प्लान कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अवेयरनेस आपके अंदर है। ऐसी सारी बातें जो कि मैथ्स को लेकर होती है, ऐसी सारी बातें जो कंपटीशन को लेकर के होती है, थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में रहती है। हालांकि जब हम बैच में होते हैं, जब हम बैच में जाएंगे, तो इन सारी बातों को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, जहां से एक्चुअली स्टार्ट होता है। बट यह भी आपके लिए इतना फायदेमंद है कि जिसको आप उम्मीद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अर्थमेटिक अंगणित के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगा इन लगातार डेमो क्लासेस में, साथ साथ एडवांस के भी कुछ टॉपिक लूंगा इन लगातार डेमो क्लास में, जो आपके लिए काफी निर्णायक रहेगी, काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। आज के सेशन में अंगणित का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेने जा रहा हूं, जिसमें संपूर्ण कॉन्सेप्ट को, साथ साथ उससे संबंधित कुछ क्रिटिकल प्रश्नों को, उसकी गंभीरता को, उन सारी परिस्थितियों को मैं आपके सामने ओपन करूंगा। जो उस टॉपिक की कंफ्यूजन्स होती हैं, उसको मैं आपके सामने दूर करूंगा। मैं अंगणित के एक इंपॉर्टेंट सेशन को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसके टॉपिक के तमाम फैक्ट को आपके सामने ओपन करता हूं, जिसको हिंदी में हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। अब इस साधारण ब्याज को अगर आप समझिए, तो इसको पहले पढ़ने के लिए कई सारी पुरानी चीजों को भी हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, जो कि इस पे रिलेट करती है। जैसे कि पहले तो हमें यही जानने की जरूरत होती है, व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट, ब्याज क्या है। और इस इंटरेस्ट को भी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ता है परसेंटेज, क्योंकि जो इंटरेस्ट होती है वो दर पर डिपेंडेंट होती है, रेट पर बेस्ड होती है। तो रेट को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा परसेंटेज लेना होता है। और कल अगर आपने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि परसेंटेज बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है अंगणित में। परसेंटेज का ही ये सभी एप्लीकेशंस होते हैं, कौन कौन, चाहे लाभ हानि हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एक तरह के उसी के भाग हैं। लेकिन आपको इतनी बखूबी समझ में आएगी चीजें कि आपको मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगी ऐसी कि हमें वो भी पढ़ने की जरूरत थी। फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस को हम बहुत ज्यादा लेकर चलते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो कि आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को रिलेट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट। आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट के दौरान अपनी गंभीरता को बनाए रखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में ब्याज कह रहे हैं,
एक और नाम इंटरेस्ट का दिया जा सकता है जिसको आप रुचि कह सकते हैं। रुचि का मतलब एक ऐसा शब्द जो कि यहाँ पर किसी काम के बदले में हमको तब मिलता है जब उस काम में हमारी दिलचस्पी हो, हमें काम करने के प्रति हमारी जिज्ञासा हो। मतलब हम अगर उस काम में बहुत ही वेलनोन हो, हमें वो काम बड़े ही स्किल्ड वे में आता हो, तभी हमको उस काम के बदले रुचि होती है। या कहते हैं कि उस काम को करने से मुझे बड़ा फायदा हो, तब जाके रुचि होती है। पैसे के लेन देन का कॉन्सेप्ट है ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, तो लेन देन में भी अगर आपको फायदा रहेगा तभी आपके इस इंटरेस्ट को आप यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब आप समझते जाइएगा, सारी बातें मैं आपको यहीं पर बताता जाऊँगा। इसकी डिफिनीशन जब दी गई तो सबसे पहले एक शब्द कहा गया, इट इज कॉल्ड द रेंट ऑफ मनी। इट इज कॉल्ड द रेंट ऑफ मनी मतलब यह धन पर मिला या लिया या दिया गया किराया होता है। जैसे किराया हम घर के बदले देते हैं, मान लीजिए किसी के घर में हम रहते हैं तो उसके घर को हम पूरी तरह से यूज करते हैं और महीने के अंत में एक सर्टेन अमाउंट जो निर्धारित होता है उसको हम उसको देते रहते हैं, तब तक जब तक हमारा अपना घर नहीं होता। जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो उसके घर को भी एज इट इज छोड़ देते हैं, साथ साथ जो मंथली आपने अमाउंट किराया दिया है वो तो दिया ही दिया होता है। आपको कहीं जाना हो तो आप किसी की कार हायर करते हैं, कार उसकी रेंट पर लेते हैं, जब वहां से लौट के आते हैं तो कार एज इट इज देते हैं, साथ साथ उस कार को यूज करने का किराया देते हैं। तो जब भी किसी भी अमाउंट को, किसी भी वैल्यू को यूज करने के बदले कुछ अतिरिक्त देना हो तो वही रेंट कहलाता है, उसी को हम ब्याज कहते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बैंक हमारे पैसे लेती है और उस पैसे को यूज करने के बदले हमें वह इंटरेस्ट देती है। हम किसी को अपने पैसे देते हैं, वह हमारे पैसे को यूज करने के बदले हमें कुछ अतिरिक्त धन देता है। अब इस धन को, इस इंटरेस्ट को, जिसको हम प्रिंसिपल परसेंटेज के हिसाब से केवल वृद्धि कहते हैं, हम इसको नया शब्द जो बोलते ही नहीं है, इसको सिंपल सा इंक्रीमेंट ही कहते हैं, मतलब एक प्रकार की वृद्धि कहते हैं। मैं अभी बाद में आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कैसी वृद्धि है, कैसा यह ब्याज है। यह इंटरेस्ट एक्चुअली दो वे में कैलकुलेट किया गया, दो तरह से कैलकुलेट किया गया, एक तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। जब केवल इंटरेस्ट हम एक समान बेसिस पर हम कैलकुलेट करें, मतलब प्रतिवर्ष समान इंक्रीमेंट को नोटिस करें, जैसे आप ऐसे निर्धारित करिए कि आपने मान लीजिए कोई धनराशि प्रिंसिपल, मतलब जिसको आप कह रहे हैं, उसको बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब है कि आपके पास अपना एक फिक्स टाइम होगा कितने समय तक हम पैसे को दे रहे हैं। दूसरा व्यक्ति भी किया होगा, तीसरा भी किया होगा, इसी प्रकार से बैंक के बड़े ग्राहक होंगे जो कि इस तरह से पैसे अपने अपने डिपॉजिट किए होंगे। बैंक सभी ग्राहकों को कुछ इंक्रीमेंट देती है, मतलब ब्याज देती है, तो ब्याज वो समान तो देती नहीं रही होगी। अब आप सोचो कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करती है बैंक, तो ब्याज को देने के लिए बैंक एक निर्धारित दर अप्लाई करती है जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। उस दर को भी मैं आपको बताता हूँ। उस दर को समय का यूज करके आपके प्रिंसिपल पे अप्लाई किया जाता है। जो वृद्धि आती है, जो इंक्रीमेंट आती है, वह जोड़ा जाता है आपके प्रिंसिपल पे और वही आपको दे दिया जाता है। तो इस दौरान आपने देखा कि हर एक ड्यूरेशन के बाद, हर एक गैप के बाद आपका धन बदलता चला जाता है, आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहता है। यह इंटरेस्ट हर कन्वर्जन पीरियड में अगर समान रहे, मतलब प्रतिवर्ष अगर समान रहे, तो साधारण है। जबकि उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहे हर साल, जैसे पहले साल जो इंटरेस्ट मिला अगले साल उतना तो मिलेगा, साथ साथ उस इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल में ऐड करके उस पर भी इंटरेस्ट मिले, तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसमें समान नहीं है, बढ़ता रहता है। इसको हम ऐसे कहते हैं, यह तो केवल वृद्धि है जबकि यह वृद्धि पर वृद्धि है, इसीलिए इसको हम चक्रवृद्धि कहते हैं। हम इसके बारे में भी आगे के लेक्चर में आपको समझाएंगे। यह वृद्धि पर वृद्धि है तो मतलब चक्रवृद्धि है। इट इज जस्ट इंक्रीमेंट, इट इज द इंक्रीमेंट आर इंक्रीमेंट दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूड इंक्रीमेंट, सतत वृद्धि है वह चक्रवृद्धि है। अब हम आपको बताते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम एक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक लेन देन की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्रिंसिपल है, हमारे पास एक प्रिंसिपल है, और वह प्रिंसिपल आपका, जिसको हम हिंदी में मूलधन कहते हैं, वह मूलधन सपोज करिए आपका पी है। एक ब्याज की, मतलब आपने उस प्रिंसिपल को, आपके पास जो फिक्स पड़ा हुआ था उसको आपने प्लान किया कहीं पर इन्वेस्ट करने को, निवेश करने के लिए। तो आपके पास एक निर्धारित टाइम पीरियड है और वह टाइम पीरियड मान लीजिए टी है, समय जिसको हम लोग कह रहे हैं, वह समय आपका सपोज करिए टी है या तो एन है। अब हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, जो वृद्धि मिल रही है, वह एक निर्धारित ब्याज दर पर मिलती है जिसको आप अंग्रेजी में रेट कहते हैं, हिंदी में इसको हम दर कहते हैं। दर यह आर परसेंट पर एनम होती है। अब आपको क्या करना होता है, आपको बस अपने पैसे को निवेश करना होता है। जिस सिस्टम में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कर रखा है वह सिस्टम आपके पैसे का
इंक्रीमेंट इस समय और इस दर के बिहाव पर कैलकुलेट करती है और आपको एक इंटरेस्ट देती है, जिसको हम सिंपल अगर कहेंगे तो वह समान वृद्धि है। मान लीजिए वह सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको आप हिंदी में साधारण ब्याज कह रहे हैं, साधारण ब्याज कह रहे हैं। अब वह साधारण ब्याज आपको जिस दिन प्राप्त हुआ, मान लीजिए उसी दिन आपको अपने अकाउंट को क्लोज करना है, आप तुरंत उस साधारण ब्याज में इस प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे और एक मिश्रधन प्राप्त करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर अमाउंट कहते हैं। अमाउंट आपका जो हो जाएगा वह पी प्लस एस आई हो जाएगा। यह अमाउंट आप ज्ञात करेंगे, दैट विल कॉल द पी प्लस एस आई। अब सिंपली इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट या इवेल्युएट कैसे किया जाता है, यही सारी बातें आप समझिए। जैसे मान लीजिए बैंक ने हमसे कहा कि आप हमारे यहाँ जब पैसे इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको 10% की दर से ब्याज देंगे, 10% वार्षिक ब्याज की दर से या दर से हम आपको ब्याज देंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि बैंक हमसे कह रही है कि 10% वार्षिक मतलब 10 रुपए प्रति 100 रुपए मतलब पर 100 रुपए वह एक वर्ष में हमको देगी, एक साल में हमको 10 रुपए देगी हर एक मेरे 100 रुपए के निवेश पर। मैंने कहा यार मेरे पास 100 नहीं, हम तो 500 रुपए का निवेश कर रहे हैं। तो जब हमने 500 रुपए निवेश कर दिया तो वह अगर मेरे 100 रुपए पर मुझको 10 रुपए दे रही है तो 500 पे 5 × 10 मतलब 50 रुपए देगी, कितने साल में, एक वर्ष में। अब आपने कहा मैं एक साल भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो 3 साल करना चाहता हूँ। तो हम कह रहे कोई बात नहीं, आप 3 साल करो 500 रुपए को, तो बैंक आपको 3 और बढ़ा दीजिए तो 150 रुपए देगी ब्याज को। मतलब इस प्रकार से आप नोटिस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, ब्याज दर उसी पर आपका जो इंक्रीमेंट है वह बढ़ता चला जा रहा है, आपकी वृद्धि बढ़ती चली जा रही है। सामान्य तौर पर जब हम लोग एकेडमिक में होते थे तो उस समय भी अगर हम प्रिंसिपल को पी कहते थे, रेट आर परसेंट होता था, समय आपका टी होता था। इस दौरान देखिएगा ध्यान से, यह आपका रेट होता था, दर होती थी और यह आपका समय होता था, प्रिंसिपल होता था, मूलधन जिसको हम लोग कहते हैं। इस दौरान अगर हम साधारण ब्याज कैलकुलेट करते थे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, तो एक फार्मूला हमको पढ़ाया जाता था, प्रिंसिपल इंटू आर परसेंट मतलब आर अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड टी, बस इतना अप्लाई कर देने से साधारण ब्याज प्राप्त होता था। अब यहां से अगर मुझे अमाउंट ज्ञात करना था तो हमने सिंपली यहां पर पी प्लस एस आई कर दिया तो हमें अमाउंट प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात किया करते थे। अब इस पर अगर देखा जाए तो कुछ और फार्मूले भी डेवलप हो सकते हैं, इन केस अगर मान लीजिए मुझे साधारण ब्याज दिया हो, इन दोनों में से कोई एक मिस कर गया हो, सपोज करिए मूलधन। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कभी हम अमाउंट से एस आई माइनस कर दें तो आपको प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा, या अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो आपको एस आई प्राप्त हो जाएगा। यह सब सामान्य भाषा के यूज किए हुए फार्मूले हैं। हालांकि हमें पूरे चैप्टर के दौरान किसी भी स्पेशल फार्मूले की आवश्यकता कभी नहीं होगी, यह बात आप मानकर चलिएगा। आपने कहा कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज का फार्मूला जो मैंने अभी पढ़ाया कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है, इनकेस हमारे पास साधारण ब्याज एस आई पता हो, दर और समय पता हो, मूलधन ना पता हो, तो मूलधन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मुझे दर निकालना हो तो हम एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू पी कह सकते हैं। इसी प्रकार से टी निकालने के लिए समय एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर कह सकते हैं। यह आपके पास सिस्टम है। कभी कभी एक फार्मूला और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे पास अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, हमारे पास रेट होता है, हमारे पास समय होता है, और उस दौरान अगर हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना हो तो हम अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आरटी कर देते हैं। यह सब तो केवल फार्मूले हैं जो कि कभी मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप अप्लाई करिए, बस सिस्टम है, ट्रेडिशन है, तो हमको लिख कर चलना पड़ता है अपने नोट्स में कंटिन्यू करते हुए। बाकी हमें कहीं अप्लाई नहीं करना है, कहीं यूज नहीं करना है। जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका यूज करना, उसी के आधार पर आपको चलते रहना है। वह कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको थोड़ा सा जैसे मेरे साथ कंटिन्यू करना होगा कि मान लीजिए हम किसी एक निवेश की बात करें, सपोज करिए 1500 रुपए। यह 1500 रुपए एक प्रिंसिपल था, यह एक धन था हमारे सामने, इसको हमने कहीं पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल तक के लिए निवेशित किया। हमने 2 साल तक के लिए निवेशित किया। हमसे कहा कि भैया साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करिए। आप समझ गए होंगे कि अगर हम 10% की बात कर रहे हैं
तो अगर हम फार्मूले से जाते हैं साधारण ब्याज को निकालने, तो मूलधन 1500 गुड़े 10 बटा 100 गुड़े आप 2 कर दीजिए, जो पॉसिबल कैंसिलेशन है कैंसिल कर दीजिए, 10 दूना 20 होगा, 15 दूना 300 होगा, 300 रुपये का ब्याज आपको प्राप्त होगा। अगर आपको फाइनल अमाउंट आपको लेना है तो 1500 में 300 और जोड़ दीजिए, तो कुल मिला के 1800 रुपये आप लेकर के घर चले जाइए, 1800 रुपये घर लेके चले जाइए। बट यह सब तो एकदम से ऐसे चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितनी क्रिटिकलिटी बढ़ सकती है केवल साधारण ब्याज ज्ञात करने को। यह दर इतना खतरनाक हो सकता है, कुछ सही कुछ बटा कुछ परसेंटेज, यह समय भी आपका बहुत ही टिपिकल हो सकता है। उस दौरान यह फार्मूला यूज करना उतना आसान नहीं रहेगा, ना तो हमें याद रहेगा। ऐसी स्थिति में हम इस पूरे सिंपल इंटरेस्ट को, हम एक चैप्टर का नाम देते हैं जिसको कहते हैं परसेंटेज में की गई वृद्धि, या सिंपली हम इसको वृद्धि कह रहे हैं, इंक्रीमेंट कह रहे हैं। अब उस इंक्रीमेंट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ता है। वह कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर कोई भी परसेंटेज है, आप उसको सिंपली फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब भिन्न फॉर्म में कन्वर्ट करिए। भिन्न फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए 10% है, तो यह सिंपली भैया 1/10 है। मतलब हम कभी भी अगर कोई भी परसेंटेज बोलते हैं, तो परसेंटेज का मतलब प्रति 100, जो भी परसेंटेज है अगर वो 100 से डिवाइडेड है तो वह एक्चुअल भिन्न है। आप अगर कहीं 25% की बात करते हैं, तो 25% मतलब 1/4, क्योंकि यह 25/100 होगा। इसी प्रकार से कहीं 40% होता है, तो यह 40/100 होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार कराई जाती हैं जो कि बड़ी क्रिटिकल होती हैं लेकिन बहुत ही आसान हो जाती हैं। यह 1/4 हो गया, यह आपका 2/5 हो गया, यह इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट ही है, पूरा तरीका ही है, तौर तरीका है। मैं उसको अभी थोड़ी देर में कुछ बातें आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक तरह से ऐसे दिमाग में रख लीजिए, परसेंटेज का मतलब भिन्न का रूप। हम बनाने के लिए सिंपली हम परसेंटेज मान को 100 से भाग दे देते हैं। अब मान लीजिए जो मेरे सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जिस दिन परसेंटेज पढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि यह इतने आसान डिजिट के क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस 10% को 1/10 मान लीजिए, 10% को 1/10 माने, तो इस पूरे को हम जब डिफाइन करेंगे तो कहेंगे 10 प्रिंसिपल है और 1 का ब्याज है, लेकिन यह कितने साल का है, केवल 1 साल का है, जबकि आपका समय क्या था, 2 साल। अगर हम 2 साल भी अप्लाई कर देंगे तो यह 2/10 हो जाएगा। भाई 1/10 तब था, 1/10 का मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए का इंक्रीमेंट 1 साल में मिल रहा था, आपने इस चीज को अभी पढ़ा था। अगर हम 2 वर्ष के लिए अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे 10/2 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा 5/5, मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए का इंक्रीमेंट आपको 1 साल में मिले, 2 साल में मिलेगा। इस नीचे वाले मान को हमेशा प्रिंसिपल कहेंगे, इसको हमेशा आप ब्याज कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। अब हमारे पास स्थिति क्या थी कि जो प्रिंसिपल मेरा था वह 1500 था। मैं कह दूंगा कि जो मेरा 5 है वह 1500 के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। मुझे ब्याज निकालना था जो 1 था, तो 5 बराबर अगर 1500 है तो 1/5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 300 हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम, ये भी तो आसानी है। ये आसान नहीं है, क्योंकि ये 10% ना होकर के 10 सही 4/ कुछ% हो, 16 सही 2/3% हो, 35 सही कुछ% हो, तो इस प्रकार का अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो सकता है। अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग पहली चीज इस बात को सीखते हैं खूब ध्यान लगाकर, कि आप भी प्रयास करिएगा जितने मैक्सिमम परसेंटेज को आप भिन्न में कन्वर्ट करना सीख लेंगे, तो आप 30 से 40% मैथ कवर कर लेंगे। मैं आपको सियोरिटी के साथ कह रहा हूं, आपका पूरा परसेंटेज इसी पे डिपेंडेंट होता है, पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है कि आप परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्जन करना सीख लीजिए खूब सारा। वो चाहे जितने क्रिटिकल परसेंटेज हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, जैसे भी हो, अगर इतना सीखते हैं तो यह प्रश्न बड़े ही आसान हो जाते हैं, बड़े ही इजी हो जाते हैं। अब कुछ भी कंडीशंस आपके सामने आए तो आप उसको फेस कर सकते हैं, जैसे मैं एक दो करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 16 सही 2/3% की ब्याज दर है, 2/3% की ब्याज दर है, और 5 वर्ष का समय है। अब इस 5 वर्ष का समय है, मान लीजिए मेरे पास जो मूलधन था वह अगर मान लीजिए 2400 रुपये था। ऐसे समझ लीजिए प्रश्न एक सिंपल सा बन गया, कि क्या प्रश्न बन गया कि 2400 रुपये को 5 वर्ष तक 16 सही 2/3% की ब्याज दर पे निवेशित किए जाने से
प्राप्त साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए। अब यह प्रश्न सिंपल सा बनकर आया। अब देखिए, अब इतना आसान तो रह नहीं गया है। इस समय 16 से ही 2/3 को भिन्न रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत है। जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मेरे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो उनको पता है कि इसका मान क्या होता है। मैं आपको ऐसे ओरली बता दूं, इसका मान 1/6 होता है। लेकिन कैसे 16 से ही 2/3 दिमाग में रखिए है क्या? ऐसे देखा जाए 16 × 3 = 48, 2 50/3 है, 50/3 है, परसेंटेज हटेगा तो 50/300 होगा, जो कि 1/6 हो जाएगा। या मैंने इसको और भी तरीकों से बताया है, मैंने 1/3 को बताया है, या हम ऐसे कह दें कि हम इसको जो है और भी सिस्टम के साथ यहाँ पर लेकर चले हैं, जिससे कि यह चीज़ें बनकर आई हैं। अब यह 1/6 कुछ ऐसे भी हुआ कि मान लीजिए 1/2 मेरा 50% था, होता है, 1/2 का 1/3 किया तो 1/6 हुआ, तो 50 का 1/3 करने पर 16 से ही 2/3 हो गया। वह भी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीज कन्वर्ट की जाती है। इसका मान आपका इतना हो गया। मैंने कहा, देखिए ध्यान से, कि 1/2 होता है 50% ना। अगर हम 1/3 कर दें, मतलब 3 से भाग दे दें इसको, या 1/6 होगा, तो इसको भी 3 से भाग दीजिए, 50 को 3 से, तो 16 से ही 2/3% आएगा। यह प्रोसेस इसका एक था। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं ऐसे सिंपली, हालांकि इस चीज को परसेंटेज पे प्रॉपर बताया जाता है। यहाँ पर देखिए, एक और प्रोसेस को हम लोग ऐसे लेकर चलें, जैसे हम 16 × 3 = 48, 2 इसको हम 50/3 मान लीजिए कह देते, लेकिन यह परसेंटेज अभी लगा था, परसेंटेज हटाने के लिए 50/300 कर देते। अब देखिए, 5 × 1 = 5, आपके पास 5 × 6 = 30, 1/6 बनकर आया। वही मैंने लिखा कि 1/6 है, 16 से ही 2/3 आपका कितना है, 1/6, मतलब 6 मूलधन है तो 1 रुपये का ब्याज है। लेकिन वह कब के लिए? केवल 1 साल के लिए। हमारे पास कितने साल का गैप है? 5 साल का गैप है, तो हम इसको 5/6 कह सकते हैं, मतलब 6 प्रिंसिपल है तो 1 रुपये, 5 रुपये का आपका ब्याज है, 5 रुपये का ब्याज है। तो इस 6 का मान बराबर किसके है? 2400 के। अगर 6 का मान 2400 के बराबर है, तो 5 का मान देखिए कैसे निकाल देंगे, 6 × 2400 = 2400, 400 हो गया, 400 × 5 कर दीजिए, 2000 हो गया, 2000 आपका साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो गया। इन केस अगर हमसे यहीं पर कहता कि मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो हम कहते भैया जो 5/6 लिखा है, इसमें 6 तो प्रिंसिपल है, 5 जो है ब्याज है, अगर हम इस प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दें तो 11 रुपये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। आपने कहा था कि 6 = तो 2400 है, मूलधन के बराबर है 6, तो 1 = आपका 400 हुआ। मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि अमाउंट ही क्या हो जाएगा, तो अमाउंट के लिए आपको 11 का मान निकालना पड़ता, जो कि 4400 हो जाता, 11 × 4400 हो जाता, सिंपल सी बात होती। आप ऐसे देख लीजिए, 2000 ब्याज आया है, प्रिंसिपल 2400, जोड़ दीजिए 4400। अब इस पर आधारित हम एक प्रश्न सीट भी आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं, आप उस पर फोकस्ड होइएगा, तो आपको कई कन्फ्यूजन, कई आपकी जो आपके सामने प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो जाएगी, इस बात की मैं सियोरिटी दे रहा हूँ। प्रॉपर अटेंशन बना करके इन 7-8-10 प्रश्नों को प्रॉपरली करिए, सीखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को रेडी करिए, तैयार करिए। अब देखिए, एक प्रश्न आपके सामने आया। मैंने आपसे जैसा कमिटमेंट किया था कि हम इस पूरे सेशन को हिंदी अंग्रेजी दोनों में लेकर चलेंगे, तो मैं उसी हिसाब से बात करने जा रहा हूँ, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं प्रश्नों को लेकर जा रहा हूँ। ओरल प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, सारी गारंटी मैं आपके ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपये को 3 वर्ष तक के लिए निवेशित करने पर साधारण ब्याज क्या होगा? 5000 रुपीज इन्वेस्टेड एट द 5% पर एनम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। अब आपके पास देखिए 5% की दर है, जिसको आप 1/20 लिख सकते हैं, 500 को 100 से भाग देने पर 1/20 होगा, मतलब 20 अगर मूलधन होगा तो 1 ब्याज होगा, लेकिन 1 साल का समय कितना है यहाँ पर, 3 साल। तो इस इंक्रीमेंट को, क्योंकि 3 वर्ष के लिए अगर हम देखेंगे, तो यह 3/20 होगा। 3/20 में यह प्रिंसिपल होगा, यह आपका ब्याज होगा। आपके सामने जो प्रिंसिपल था, एक्चुअली वो 5000 था, तो मैं 20 की तुलना किसके साथ कर दूंगा, 5000 के साथ, 20 मतलब 5000, तो साधारण ब्याज 3 बराबर क्या होगा? देखिए, इस तुलना को हम तिर्यक गुणे का मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। हालांकि हम तिर्यक गुणे के हिसाब से भी ना चल करके, हम ऊपर नीचे बगल बगल कुछ चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि इसको इससे हम कैंसिल कर दें, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका यह 250 होगा, 250 को 3 से गुणा कर दें तो इसका मान 750 रुपये हो जाएगा, जो कि आपके 3 साल का साधारण ब्याज, बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का उत्तर। परसेंटेज के आधार पर 5% को 1/20, 3 साल में हम उसको 3/20, 20 की तुलना हम 5000 से करेंगे, तो 20 की तुलना 5000 से, तो 3 का मान ज्ञात करने के लिए सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस या हमने कंपेरिजन प्रोसेस को अप्लाई किया, तो हमने यहाँ पर 750 को आंसर पा लिया, और वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया।
सेकंड प्रश्न पर अगर हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे प्रश्नों को बड़ी जल्दी ओरली कर लेते हैं, आप प्रश्न की गंभीरता को समझ सकते हैं। 7000 रुपए की धनराशि है, 14.7% की ब्याज दर है, 2.5 साल का समय है और उधार इतने समय के लिए दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले कह सकते हैं सम ऑफ मनी 7000 इन्वेस्टेड या लेंट एट द 14.7% फॉर द 2 whole 1/2 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल था आपके पास 7000, प्रिंसिपल था 7000, ब्याज की जो दर थी वह आपकी 14 whole 2/7% थी और जो समय था आपका जो था वह आपका कितने के बराबर था, 2 whole 1/2 years का था। अब आपको इस ड्यूरिंग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को फाइन करना था, ज्ञात करना था। फर्स्टली हमें 14.7 के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने लोग इस बात को जानते होंगे, पहले से इसको अगर पढ़े होंगे उनको पता होगा इसका मान 1/7 होगा। ये कन्वर्जन कितना आसान होगा, जितना आसान होगा आपके लिए उतना ही आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी होगा। 14 × 7 = 98, 200/7, फिर नीचे 100, 100 से कटेगा 1/7, या हम 1/7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, 100 से गुणा कर दें तो 100/7 होगा, जो कि आपका ऐसे लिखा जा सकता है। तो 14 × 2/7 का मतलब आपका 1/7 हो जाएगा भिन्न में। अब 1/7 में 7 प्रिंसिपल होगा, 1 ब्याज होगा, लेकिन कब का, 1 साल का। मुझे कितने साल जाना है, 2.5 साल। अब 2.5 साल का मतलब आप 5/2 भी लिख सकते हैं भाई, 2 × 2 = 4, 5/2 भी तो लिखा जा सकता है। अगर 1/7 है, 1/7 का इंक्रीमेंट अगर मैं 5/2 के साथ करूंगा तो 5/14 हो जाएगा। 5/ कितना होगा, 14। 5 × 1/7 × 5/2 कर दीजिए तो 5 × 1 = 7, 2 × 14, मतलब यह प्रिंसिपल हो गया और यह आपका इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल है कितना एक्चुअली, वो 7000 है, तो 14 का मान आपका 7000 के बराबर हो गया। आपको निकालना किसका मान है, आपको मूलधन का मान निकालना है, मतलब ब्याज का मान निकालना, जो कि 5 है। तो 5 का मान देखिए, 14 × 5 = 70 कर दीजिए, 500 हो गया, 500 को 5 से गुणा कर दीजिए, 250 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। प्रोसेस बड़ा आसान है, 14 × 2/7 को आपने अगर लिख लिया 1/7 तो प्रश्न हल हो गया। 1/7, समय आपका 2.5 मतलब 5/2, अप्लाई कर दिया इसके इसके साथ तो 5/14 में 14 आपको प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और 5 आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। 14 की तुलना अगर हम 7000 से करेंगे तो 5 का मान निकालना कितना आसान होगा, आपके सामने सारा कॉन्सेप्ट है, सारा आंसर है, आपने कर लिया, आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। आगे मैं बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर देखिए, 3 नंबर आपके सामने, और भी क्रिटिकल स्थिति हम लेकर चल रहे हैं, यह भी हम बड़े आराम से बड़ी इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्या है, कोई धन 34 × 2/7%, 34 × 2/7% का मतलब समझिए। अब छोड़िए, सोचिए इसको, यह कितना क्रिटिकल है। अब इस क्रिटिकलनेस को सबसे पहले मैं दूर करवा दूं, अगर कभी यह स्थिति आपके सामने आई तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर दें 2 पार्ट में। अभी अभी आपने देखा कि 14 × 2/7 था, 14 × 2/7 था इसका पार्ट है। 14 × 2/7 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो 34 × 2/7 होगा। यह भी परसेंट है, यह भी परसेंट है, क्योंकि मैंने इसे ब्रेक किया है। अब इसका मतलब सिंपल होता है 1/5, 20% को जो लोग जानते होंगे एक्सप्लेन करना, 1/5, इसका मतलब अभी अभी आपने बताया 1/7, क्योंकि दोनों जोड़े हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 1 = 5, 12/35। क्या लिख सकते हैं, 12/35, मतलब इस 14 × 2/7 को अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आप 12/35 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 12/35 कह सकते हैं। कैसे किया, आपने समझा, 34 × 2/7 की तरफ मैंने दिमाग लगाया तो मुझे पता चला कि इसको हम 20 + 14 × 2/7 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। 20% का मतलब 1/5 होता है और 14 × 2/7 को भी पिछले प्रश्न में 1/7 बताया था, क्योंकि यह दोनों जुड़ करके ऐसा बनते हैं इसलिए इनको भी जोड़ेंगे तो 12/35 होगा। अब 12/35 अगर हो ही गया है तो बाकी चीजें आप समझ जाएंगे बड़े आराम से, क्या करना है। इसका मतलब यह प्रिंसिपल है और यह आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है, या प्रिंसिपल है या ब्याज है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, कोई धन इतने दर से, जो आप यूज कर रहे हैं ब्याज की दर से, 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष मतलब 1 × 1/2 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष इसको आप कह सकते हैं, में 13,600 रुपए हो जाता है। मतलब आपका जो धन था वह कन्वर्ट हो गया अमाउंट में, मतलब प्रिंसिपल ने इंटरेस्ट को ऐड कर लिया और 13,600 बन गया, तो उस प्रिंसिपल उस धन का मान हमको ज्ञात करना था। सम इज इन्वेस्टेड एट द 34 whole 2/7% पर एनम फॉर 1 whole 1/2 years बिकम 13,600, फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल को फाइन करना था।
अब आपने अगर समझा होगा प्रॉपरली तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं प्रॉपरली, कैसे? आपका यह धन हो गया, मतलब अमाउंट हो गया। तो ऐसे में अगर जब भी कभी हम इस टाइप से कन्वर्जन करते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है इस कन्वर्जन की ड्यूरिंग होता क्या है। पहली चीज, यह 12/35 है तो एक साल की बात है, यह तो एक वर्ष का प्लानिंग है ना। आपको अगर इस पूरे इंक्रीमेंट को डेढ़ वर्ष के लिए लेके जाना है तो 12/35 को आप गुणा कर दोगे 3/2 से, मतलब यह 36/70 हो जाएगा। 36/70 में आप इसको प्रिंसिपल कहोगे, इसे ब्याज कहोगे, इन दोनों को जोड़ दें तो अमाउंट आपका 136 हो गया। यह 136 किसके कंपेरिजन में है? 13,600 के। तो एक का मान आपका 100 होगा, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है जो कि 70 है, तो 70 का मान 7,000 के बराबर, 7,000 के इक्वल हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया। दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा सा, अगर आप प्रॉपरली दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट कर पाते हैं इस तरह के प्रोसेस पर, तो ऐसे प्रश्न बड़ी ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, जो कि इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज जरूर समझ में आई होगी, कैसे आपको करना था या आप समझ पाए होंगे। आगे के प्रश्न पर अपना अटेंशन बनाते हैं, हम चौथे नंबर पर आते हैं। देखिए प्रश्न आपके उसी तरह से हैं, लेबल ऐसे ही बनता जा रहा है, आप लोग ध्यान देते जाएंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। क्वेश्चन क्या है देखिए, शब्द यहां पर चेंज है, शब्दों को हम दूसरे तरह से रीड करेंगे। एक बात मेरे दिमाग में आप लोग रख लीजिए, जैसे मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन हो कि हम किसी पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करें, निवेश करें, तो आपका जो मिश्रधन होता है, जो अमाउंट होता है, वह आपका कब आता है? जब हम प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करते हैं। इस शब्द को आप दो प्रकार से कह सकते हैं, इस शब्द को कह सकते, अगर किसी ने हमसे कहा कि हमारा जो मिश्रधन है वह प्रिंसिपल से इतना अधिक है, तो जितना अधिक है एक्चुअली वह ब्याज की ही बात कर रहा है। मान लीजिए हमने कहीं 2,000 जमा किया, मुझे अंतिम में 2,500 प्राप्त हुआ, तो मैं कह दूं कि मेरा जो अमाउंट है वह 2,500 है और मूलधन कितना है 2,000 है, तो मैं क्या कह सकता हूं बताइए? मैं कह सकता हूं कि मेरा मिश्रधन मूलधन से 500 रुपए ज्यादा है, कह सकता हूं ना। अब वो 500 आपका एक प्रकार की तुलना है मिश्रधन और मूलधन की, साथ साथ वह ब्याज भी तो है। इस प्रश्न में वही कहा है कि यदि मिश्रधन मूलधन से 1500 रुपए अधिक है, मिश्रधन मूलधन से 1500 अधिक है, ब्याज की दर 8 से ही 1/3% है तथा धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार दी गई हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले सुनिएगा, इफ द अमाउंट इज 1500 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट, मोर देन द प्रिंसिपल होगा। देखिए मिश्रधन मूलधन से है तो सिंपल इंटरेस्ट ना होकर के यहां पर प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल। देन एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द 8/3% पर एनम, फाइंड द टाइम एंड द टाइम ऑफ द 3 ईयर्स, फाइंड द सम, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था। यह प्रश्न था आपका या क्वेश्चन था, इसमें जो चीज मेन थी उसको हमने समझा। इसने कहा था कि अगर मिश्रधन जैसे अमाउंट और यहां पर प्रिंसिपल, यह जो मिश्रधन है मूलधन से कितना ज्यादा है, 1500 ज्यादा है ना, 1500 ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज द इंटरेस्ट, यही तो आपका ब्याज है, यह ब्याज है। अदरवाइज आप प्रिंसिपल के बिहाव पर भी चल सकते हैं, अमाउंट के बिहाव पर भी चल सकते हैं, तब भी आंसर कर देंगे। हालांकि हम ऐसे डायरेक्ट रिलेट करेंगे, आराम से प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। 8 से ही 1/3%, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में आपने देखा था 16 से ही 2/3%, इसका मतलब आपने कहा था कि 1/6 है ना, 16 का आधा कितना हुआ है 8 और 2/3 का आधा 1/3, इसका भी आधा क्या हो जाएगा 1/12, इसका मतलब यह 1/12 होगा। नहीं तो ऐसे सोचिए, 8 + 24 = 25/3, तो 25/300 होगा जो कि 1/12 हो जाएगा, मतलब 8 से ही 1/3% 1/12 है। 1/12 तो एक साल का कॉन्सेप्ट है, जबकि समय यहां पर 3 साल है, तो 3 साल में अगर इसको लेकर चलेंगे तो 3/12 होगा जो कि 1/4 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ कर चलना है। अब 1/4 है, आपने कहा था जो 1500 अगर अधिक मैं बोल रहा हूं तो 1500 ही मेरा ब्याज है, 1500 ही मेरा ब्याज है, और इस 1/4 में एक ही तो ब्याज है, यही तो ब्याज है, यह आपका मूलधन है। अब जब एक हमारा 1500 है तो हमको 4 का मान ज्ञात करना है मूलधन का, तो हम कितने आराम से ज्ञात कर सकते हैं, 6000। कितना? 6000, कौन से ऑप्शन में? पहले ही ऑप्शन में आपके बगल रखा हुआ है 6000, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कितने ओरल वे में, कितने आसान तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मान आप केवल इतना अगर कर लें तो प्रश्न आपका इजी हो जाता है, कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए पांचवें प्रश्न पर आता हूं, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है।
अब यहां पर थोड़ी सी स्थिति चेंज हो गई। स्थिति क्या चेंज हो गई, कंडीशन क्या हो गई, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कंडीशन ए हो गई अब की बार कि जैसे कभी आपने अभी यही बात की कि मिश्रधन मूलधन से 1500 ज्यादा था, ऐसे ही ब्याज जो हम लोग निकालते हैं जनरली साधारण ब्याज, वह मूलधन से कम होता है ना, अक्सर तो कम ही होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा साधारण ब्याज मूलधन से कम ही होगा या ब्याज मूलधन से कम होगा। आपने कहीं कहीं देखा है कि निवेश करिए आपको 3 गुना पैसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो मतलब मूलधन के बराबर या मूलधन से अधिक भी ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम मूलधन से हम ब्याज को ज्यादातर की स्थिति में नोटिस करें तो आपने देखा होगा कि ब्याज मूलधन से कम ही रहता है। यहां इन प्रश्नों में वही सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ब्याज मूलधन से कम है उस दौरान आपसे प्रिंसिपल और ब्याज के बारे में पूछा गया है, कुछ जानकारियां दी गई हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हैं। आपको इस प्रश्न में देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है ध्यान दीजिए, कहा गया किसी धनराशि को 12.5% 12.5% 12.5% की ब्याज दर से वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक के लिए उधार दी गई है। यदि ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, जो ब्याज है आपका मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन और साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। असम इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 3500 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज आवर क्वेश्चन, यही हमारा प्रश्न है। इस दौरान हमको 12.5% दिख रहा है जो कि 1/8 के बराबर होता है। इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कैसे होता है, 12.5 मतलब आप इसको 125 या हम इसको पहले 12.5/100 कह सकते हैं, परसेंटेज हटाने पर, दशमलव हटाने पर 10 बढ़ा 1/8 कह सकते हैं। 1/8 हमारा जो भिन्न रूप है वो बन गया, मतलब एक साल में 8 रुपए पर 1 रुपए का हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा। बट यह समय हमारा 3 साल का है, तो आप यहां पर प्रॉपर अगर सोचे तो 3 साल के लिए अगर इंक्रीमेंट देंगे तो इसको हम 3/8 कह सकते हैं, मतलब इसको आप प्रिंसिपल कह सकते हैं, इसको आप इंटरेस्ट कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस समय हमारा जो ब्याज है जो 3 है, मूलधन से 5 कम है। देखिए कितना कम है, 5 कम है। ऐसे देखिए ब्याज 3 है, मूलधन कितना है, 8 है, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि ब्याज मेरा मूलधन से 5 कम है, जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ब्याज मेरा मूलधन से 3500 कम है। इसका मतलब जो 5 की कमी है वह 3500 के कंपेरेबल है, 3500 के समतुल्य है। मुझसे पूछा है मूलधन, मतलब 8 का मान और 3 का मान, तो हमसे मूलधन और ब्याज पूछा है, तो ऑप्शन में वही ऑप्शन हमारा सही होगा जो हमको सपोर्ट करेगा। 1 का मान आप 700 कह सकते हो और 8 का मान यहीं से 7/8 5600 कहा जा सकता है, जबकि 3 का मान अगर मुझे नहीं, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, जबकि 3 का मान 3/7 2100 मतलब आपका इंटरेस्ट हो गया, तो आपके सामने यहां पर 5600 इज द सी ऑप्शन, यह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न अगर हम नॉर्मली सोचें तो इतना इजी नहीं बन पाएगा, जैसे अगर नॉर्मल वे भी लेके चलते हैं, हम प्रिंसिपल एज्यूम करते, रेट को अप्लाई करते, इंटरेस्ट निकालते, कंपेयर करते, तो दैट वाज द टफ टॉस। अब यहां पर इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन की जितनी क्रिटिकलिटी थी उसको आपने बड़ी ही आसान कर दी और बहुत जल्दी इस प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया, जो कि आपने सी ऑप्शन में देखकर बताया है। यह आपके इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं आता हूं, 6 नंबर पर। देखिए 6th क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, क्या है क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे और आंसर कर पाएंगे, आप देखिएगा तो समझ में आएगा। 6/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दी गई धनराशि का ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। कितने कम है, मूलधन से 4400 रुपए कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है। 6/2/3, अब आप सोचिए कितना होगा, 6/2/3, 6/2/3 की बात अगर मैं करूं तो सिंपल सा टास्क है, 6×3=18, तो 20/3 होता है, जिसको आप 1/15 कह सकते हैं। सोच लीजिए कैसे, यह 20/300 हो जाएगा जो कि 1/15 हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा आप समझ गए होंगे, 6×3=18, तो 20, नीचे परसेंटेज हटेगा तो 300, तो 20 से अगर हम 300 को भाग देते हैं तो 15 आ जाता है, 1/15 हो गया, 1/15 हो गया। समय कितने का है, 4 वर्ष का है, तो इसको मैं 4 साल के इंक्रीमेंट में मैं 4/15 कह दूं। अब आपके सामने जो प्रिंसिपल है वह आपका 15 है और जो ब्याज है वह आपका 4 है। आप देख पा रहे हैं कि 15 से 4 कितने की कमी है बताएं, 11 की। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्याज है वह मूलधन से 11 रुपए कम है। इस कंडीशन में ब्याज मूलधन से 11 कम है। अगर ब्याज मूलधन से 11 कम है
और यहां पर यह कमी 4400 के कंपेरेबल है, तो 11 का मान आप 4400 की तुलना में ला सकते हैं। आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो पहले एक का मान निकालें तो 400 होगा, 11 चौके 44, 15 का मान निकालें तो 6000 होगा, और अगर आप 4 का मान निकाल देते हैं जो कि प्रिंसिपल जो ब्याज है, तो 4 चौके 1600 होगा। तो 6000 और 1600 आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑप्शन यह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि पिछले प्रोसेस पर ही वेस्ट है। आपने इसको भी समझा होगा कैसे कराया गया, किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। अगले प्रश्न पर देखिए, सातवें नंबर पर और चीजें थोड़ी बदल गई। अब यह एक स्थिति ऐसी है, एक कंडीशन ऐसी है, जब हम कहीं किसी से एक लंबे समय तक के लिए कुछ पैसे उधार लेते हैं, तो वह हमसे ब्याज की दर को वेरिएशन पे रखता है, अलग अलग रखता है। कुछ समय के लिए ब्याज की दर कुछ रहती है, आगे के समय में बढ़ती रहती है, घटती रहती है, इस प्रकार से ब्याज की दर को फ्लैक्चुएट किया जाता है, चेंज किया जाता है। यहां प्रश्न वही है, एक आदमी ने एक लंबे समय तक के लिए किसी से पैसे उधार लिए, एक आदमी ने बैंक से 12000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि वह पहले 4 वर्ष ब्याज की दर उसकी 6% रहेगी, अगले 3 वर्ष 8% की दर से वह उधार मतलब ब्याज देगा, तथा 7 वर्ष के बाद वह 9% की दर से ब्याज देगा। उसने 10 साल तक के लिए लोन लिया, तो 10 साल बाद वह कितना ब्याज देगा, यह आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैन बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम अ बैंक एट द कंडीशन द इंटरेस्ट इज 6% फॉर फर्स्ट 4 ईयर, देन 8% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड देन 9% आफ्टर 7 ईयर, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद बताना है। यहां पर कुछ काम नहीं है देखा जाए तो, ओरली सोचा जा सकता है, बट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस व्यक्ति ने यहां लोन लिया, यहां उधार लिया। शुरू में सबसे पहले वह देखिए 4 वर्ष तक के लिए चला, 4 वर्ष तक के लिए चला मतलब 4 साल की बात करिए। इस 4 वर्ष में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी ने इतने समय तक के लिए लोन लिया। अब इसको थोड़ा टाइम फिक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोन लिया, शुरुआत के 4 साल तक, 4 वर्ष तक उसकी जो ब्याज की दर थी, 4 वर्ष तक उसकी जो ब्याज की दर थी वह थी 6%। कितनी थी? 6%। 4 वर्ष के बाद अगले 3 साल मतलब 7 साल तक के लिए, मतलब अगले 3 साल, लेकिन यहां से यहां तक अगर नोटिस किया जाए तो कितना साल हो गया? 7 साल। जो ब्याज की दर थी वह 8% थी। 7 साल कंप्लीट हो गए, मतलब देखिए 4 साल पहले कंप्लीट हुआ, तब तो 7 साल कंप्लीट हुआ। 7 साल के बाद ब्याज की दर कितनी होगी? 9%। लेकिन सोचो तो 7 साल के बाद जाना कितने साल है उसको? पूरा उसको 10 साल तक जाना था। कितने साल तक? 10 साल तक। तो अगला गैप भी 3 ही साल का होगा। कितने साल का होगा? 3 साल का होगा, क्योंकि 4 3 7 साल हो चुका है, 7 3 10 साल। इस समय ब्याज की दर 9% रहेगी। अब इस दौरान अगर कोई फार्मूला अप्लाई करे, तो इस समय फार्मूले को हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सिंपली ऐसे करेंगे डायरेक्ट इंक्रीमेंट को नोटिस करेंगे। इस दौरान इंक्रीमेंट देखिए 4 × 6 = 24%, इस दौरान देखिए इंक्रीमेंट 24%, इस दौरान इंक्रीमेंट देखिए 9 × 3 = 27%। सबको जोड़ दिया अगर सारे इंक्रीमेंट को, तो 75% हो जाएगा, 24 24 48 20 68 7 75%, जो कि 3/4 होता है, 3/4 होता है। 3/4 में 4 प्रिंसिपल है, 3 ब्याज है। अब आपको जो है प्रिंसिपल 4 का मान किसके बराबर है? 1200 के। देखिए आप 12000 के, आपको ब्याज 3 का मान निकालना है, 4 से इसको डिवाइड कर दे, 3000 हो गया। 3000 को 3 से गुणा कर दें, 9000 आपके इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखिए इतना जो मैंने छापा है लिखा है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आपको अंतिम का समय फिक्स करना यहां सबसे बड़ा चैलेंज है। शुरुआत में 4 साल, देखिए 4 के बाद 3 साल, 7 साल कंप्लीट हुए, फिर फाइनली देखिए कितने साल तक जा रहा, 10 साल। इसका मतलब अंतिम का 3 साल होगा भाई, 4 3 7 हो गया, तो अंतिम का 3 होगा, क्योंकि एंड उसको 10 पे करना है। तो हम शुरू में यही कर देते, 4 × 6 = 24, 8 × 3 = 24, 2 × 8 = 48, 9 × 3 = 27, 48 × 27 = 75, तो आपके सामने यहाँ पर 75%, जो कि 3/4 होता है। तो 4 प्रिंसिपल को भी हैव करता, 3 ब्याज को करता, तो वहां से डायरेक्ट याद कर सकते थे, आंसर हो जाता। ऐसे भी कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं। अब जैसे इसी पर एक और जब प्रश्न होगा, तो उसको आप और अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ध्यान देने की बात है, बस आप लोग समझने की कोशिश करिए। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6%, मतलब लिख दो 18, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए 7%, मतलब 4 × 7 = 28, और 7 वर्ष के बाद, मतलब 7 साल बीत गया है, 7 वर्ष के बाद, तो सोचिए जाना कितने साल है, 11, तो मतलब 4 साल और बचे। 7 वर्ष के बाद 7.5, तो 4 साल के लिए अगर 7.5 अप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 30, 7.5 × 4 करेंगे तो 30% हो गया। सबको जोड़ दिया,
तो 30, 20, 50, 10, 60, 8, 68, 8, 76 76% होगा। 76% का मतलब अगर भिन्न में कन्वर्ज किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करें 19/25 होगा, 19/25। देखिए प्रश्न को पूरा रीड करिए। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किया, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है 25 वह 18,800 के बराबर है। हाँ, तो 25 का मान है 18,800 और आपको ज्ञात करना है किसका, ब्याज का मान जो कि 19 के बराबर है। तो हमें 19 का मान एग्जैक्टली बताना है कि 19 का मान कितना बनकर आएगा। आप 25 से इसको डिवाइड कर दें, 25 × 7 = 175 होता है, 175 13 आपके सामने होगा, 25 × 5 = 125 होगा, उसके बाद आपके सामने जो है 25 × 5 = 125, फिर आपके सामने जो है जो कंडीशन बनेगी 25 × 2 = 50 होगा। 752 को 19 से गुणा कर देंगे 14,228 जो कि आपको दिया गया है किस ऑप्शन में, 288 जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना था, जैसे 25 से डिवाइड करना था, 7 बार जाता 175 होता, 175 × 13 आप करते क्योंकि 10 करने पर 85, 3 × 88, 13 के बाद 10 बढ़ता तो 25 × 5 = 125 हो जाता, 5 × 0 = 25 × 2 = 50, 752 को आप 19 से गुणा करेंगे तो आपका 14,288 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता, जो कि आप लोग यहां पर नोट कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज यहां पर 14,288 हो रहा है जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी इजिली किए जा सकते हैं, कैलकुलेट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोसेस आपको यही अप्लाई करना होगा जो मैंने आपको बताया। आगे मैं बढ़ता हूं 9वें नंबर पर। देखिए प्रश्न अब फिर भी देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल होते जा रहे हैं, मतलब स्थिति चेंज होती जा रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो वही रिलेट कर रहा है। एक जैसे नया प्रश्न मैं ले रहा हूं, राम कुछ धन मोहन को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार देता है। एक व्यक्ति है राम और उन्होंने क्या किया है, दो व्यक्तियों को अलग अलग यहां पर पैसे दिए, एक तो सबसे पहले मोहन को, मोहन के बाद उसने अगला पैसा किसको दिया, गौरव को। दो व्यक्तियों को उन्होंने पैसे दिए, कैसी किस कंडीशन पर दिया, उन्होंने 6% की ब्याज दर लगाई और 5 वर्ष के लिए वह पैसे उसने मोहन को दिए और उसी ब्याज दर पर उसने 3 वर्ष के लिए उसने उस पैसे को गौरव को दिया। गौरव और मोहन ने मिलकर के उसको 1920 रुपए का इंक्रीमेंट दिया, ब्याज दिया। हमको बताना है कि राम ने दोनों को कितने कितने पैसे दिए थे, राम ने कितने कितने पैसे गौरव और मोहन को दिए थे, या हमको कैलकुलेट करके बताना है। अब इस चीज को बस ऐसे समझ लीजिए, अंग्रेजी वाले भी समझ लीजिएगा, राम गिव्स सम मनी टू मोहन एट द 6% पर एनम फॉर 5 years एंड द सेम अमाउंट ही आल्सो गिव्स टू गौरव एट द सेम रेट फॉर 3 years। इफ बोथ गिव द 1920 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट टू राम, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड बाय राम। कितना पैसा राम ने प्रत्येक को दिया था यह हमको बताना है। अब देखिए जैसे इस प्रश्न की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर इस बात के लिए मत कंफ्यूज हो कि राम ने कुल कितना इन्वेस्ट किया, वह अलग चीज है। राम ने प्रत्येक को कितना इन्वेस्ट किया वह हिंदी में लिखा हुआ, तो प्रत्येक का इन्वेस्टमेंट हम निकालने जा रहे हैं। 6% की दर से उसने 5 वर्ष के लिए इसको दिया तो 30% इसको यहां से मिला होगा, और 6% की दर से उसने 3 साल के लिए गौरव को दिया तो 18% उसको यहां से मिला होगा। दोनों से मिला के उसको 48% मिल रहा है। 48% को अगर भिन्न में कन्वर्ट कर दे हम लोग तो 4 × 12 = 4 × 25 = 12/25 हो जाएगा। 25 का मान यहां पर प्रिंसिपल है और 12 का मान यहां पर ब्याज है। ब्याज कुल मिल कितना रहा उसको, 1920। तो 12 की तुलना हम 1920 से कर देंगे। 12 का मान अगर 1920 है तो 25 का मान क्या होगा बताइए, 12 × 12 = 7, 12 × 72 = 0, 160 को 25 से गुणा कर दीजिए, 4000 रुपए उसने प्रत्येक को दिया था, 4000 उसने प्रत्येक को दिया था। अगर हम लोग यहां पर कुल की बात करते तो 8000 का उसका इन्वेस्टमेंट होता, जबकि अगर देखा जाए तो उसने देखिए यहां पर सोने के 16×5 = 80 कैरियर, 16 × 2 = 32, 8 = 40 होता है। 4000 रुपए उसने प्रत्येक को दिया था, प्रत्येक का पूछा जाएगा तो 4000, कुल इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी तो 4000 उसने मोहन को दिया था, 4000 उसने गौरव को, मतलब 8000 दिया था। यह प्रश्न है, यह प्रोसेस है, कुछ नया नहीं करना है, सब कुछ एज इट इज चल रहा है जैसे हम करते आए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है, कोई धन 3 वर्ष में 6400 रुपए हो जाता है, मतलब आपने निवेश किया, ये देखिए पैसा आपका था, आपने निवेश किया 3 सालों में वह पैसा आपका कितना हो गया, 6400। उसी पैसे को अगर हम कह रहे हैं 5 साल तक के लिए निवेश कर देते तो वह पैसा कितना हो जाता, 7200। मतलब इस ड्यूरेशन में जो 2 साल का गैप है, इस ड्यूरेशन में देखिए क्या हुआ है, 6400 से 7200, मतलब 800 का इंक्रीमेंट है। 800 आपने देखा कि 2 वर्ष में आपको मिल रहा है, 2 साल में आपको मिल रहा है। अगर हमें 2 साल में 800 रुपए मिल रहा है, 800 मिल रहा है, तो 1 साल में हमको 400 रुपए मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होता है।
आपको ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कहा है। जब एक साल में 400 मिलता है तो शुरू में देखिए 3 सालों में आपका इतना बना था, तो 3 सालों में आपका 1200 रुपए का ब्याज मिला होगा। 3 सालों में आपको 1200 का ब्याज मिला होगा, जिसका मतलब आपका यहां पर अमाउंट आपको क्लियर हो गया है कि 3 वर्ष का समय है, 1200 रुपए ब्याज है और 6400 रुपए इंक्रीमेंट है। तो प्रिंसिपल को अगर हम ज्ञात करें तो इसमें से इसको घटा दे तो आपका प्रिंसिपल 5200 हो जाएगा। मतलब 5200 रुपए का धन था, 3 साल में 1200 के इंक्रीमेंट के हिसाब से या पैसा 6400 हो गया था। दर हमको नहीं पता है, जो कि आर परसेंट हम ऐसे लेते हैं, जो कि सिंपली आर बटा 100 होगा। 3 साल में अगर लेके चलेंगे तो 3R/100 होगा। अब 3R/100 है तो 3R/100 में यह आपका ब्याज है और यह आपका प्रिंसिपल है। आप अपनी जगह पर तुलना कर दीजिए, 3R/100 सामने 1200/5200। जो पॉसिबल कैंसिलेशन काट सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 400 हो गया। आर का मान अगर मुझे निकालना है तो आर के मान के लिए 400 बटा आपने कितना कर दिया 52, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 जाएगा और यह 100 होगा। 13 × 7 = 91, 7 सही 9/13% ब्याज की दर होगी, जो कि आपको यह सी ऑप्शन में दी गई है। देखिए प्रोसेस क्या था, कुछ नहीं था, ये सब काम ओरल था। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने बताया कि 2 साल में 800, 1 साल में 400, 3 साल में 1200, प्रिंसिपल 5200 हो गया ना। अब आप समझ गए, दर आर परसेंट, 1 साल में आर बटा 100, 3 साल में 3R/100, 3R/100 में 3R के सामने 1200, 100 के सामने 5200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने या ऊपर नीचे कैंसिल करके आर का मान निकाला तो 7 सही 9/13%, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिला है। 10 प्रश्नों को मैंने आपके इस लेक्चर में कंप्लीट कराया है। होप सो आप इन सारे सेशन को अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे, समझ में सारी बातें आई होगी, कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, प्रश्नों को करने का सिस्टम सीखा होगा। कम समय में ज्यादा कराने की कोशिश की गई है, होपफुली आप कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बाकी यह सेशन आपके लिए अभी चलता रहेगा डेमो क्लासेस के रूप में। प्रोसीजर जो रवि सर ने ऊपर बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। संस्थान से इनरोल्ड होने के लिए, संस्थान में जुड़ने के लिए आप जो है नीचे दी गई जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सबका अपना सिस्टम होता है। मैं आपको किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा, ना तो कभी किसी चीज के लिए मैं प्रेशराइज करूंगा। बस सिंपली इतनी बात आपको कहूंगा कि अगर आपको चीजें प्रॉपर लग रही हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक समझ में आ रहा है, सब कुछ अप्लाइड कर रहे हैं, तो आप जो प्रोसीजर है, जो रवि सर ने भी उधर एक्सप्लेन किया, उधर मैं भी आपको ये बता रहा हूं कि आप दिए गए नंबर्स पर बात करके चीजों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हम लोग नए लेक्चर्स के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।